चलो तो शुरू कर देते हैं। नाम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेट्रापोडा। कल हमने पूरा ड्यूटेरोस्टोमेट शुरू किया जिसमें हमने इकाइनोडर्म्स के बारे में देखा जो कि पानी में रहते हैं, हेमिकॉर्डेट्स को देखा जो कि पानी में रहते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स को देखा वो भी क्या है पानी में रहते हैं। तो अब क्या उसके बाद हमने क्या देखा, पाइसिस को देखा, फिशेस को देखा वो भी क्या पानी में ही रहते हैं। लेकिन फिशेज में जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे कि फर्दर सब क्लास उस क्लास को सब क्लास जो डिवाइड किया गया वो देख रहे थे तो हमने देखा था लास्ट में कि एक लंग फिशेज इवॉल्व हुई है, एंड में एक लंग फिशेज इवॉल्व हुई है और उन लंग फिशेज में क्या है गिल्स के साथ साथ लंग्स भी अडाप्टेड है ना, गिल्स के साथ साथ रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी प्रेजेंट है। तो वहीं से ये कहीं से शुरू हो जाता है कि अब लाइफ जो है पानी से हटके जमीन पे जाने वाली है, मतलब अब एक्वेटिक लाइफ छोड़ के एनिमल्स कहाँ मूव कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ। तो अब जब टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उनको चाहिए होते हैं कुछ लिम्स वहां पे मूवमेंट के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो वहां से इवोल्यूशन हुआ इन टेट्रापोड्स का। टेट्रापोडा का अगर लिटरल मीन देखें हम तो लिटरल मीनिंग होती है टेट्रा मीन्स होता है चार और पोडा मीन्स होता है पैर, ठीक। तो चार पैर, चार पैरों वाले एनिमल बनने लग गए। जैसे हम भी हैं, हम भी क्या है चार पैर ही हैं, दो हमारे हाथों में कन्वर्ट हो चुके हैं मतलब इवोल्यूट हो चुके हैं, इवोल्यूशन हो चुका है हाथों का फंक्शन के लिए और दो हमने पैरों की तरह अडॉप्ट कर लिया है फॉर लोकोमोशन, ठीक। तो है तो हम भी चार पैरों वाले, ठीक, तो हम भी टेट्रापोडा ही हैं। तो अब हम टेट्रापोडा में देखते हैं कि टेट्रापोडा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और कैसे आते हैं। तो टेट्रापोडा का जो है कुछ कहानी ऐसा है कि लंग फिशेस जो थी ना उनकी बीवियां बहुत ऐसे खड़ूस टाइप से थी, हमेशा लंग फिशेस की आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो किसी दिन उनमें से एक किसी लंग फिश ने सोचा होगा कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस इस पानी में रुकना नहीं चाहता हूँ, इसके साथ जो रोज मेरे से चिक-चिक करती है, रोज चिक-चिक करती है, ठीक। जिस दिन उसने ऐसा सोचा तो उस दिन उसने अपनी बीवी से लड़ाई की और पानी से बाहर निकल गया। लेकिन पानी से ऐसे ही बाहर नहीं निकला, पानी से बाहर निकलने के लिए उसने कुछ तैयारियां की, क्योंकि हम भी अगर कभी गुस्सा होकर घर छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ तैयारियां तो करेंगे ताकि घर से बाहर निकले तो अपना जीना खाना और चलना ये सब कुछ पॉसिबल कर सके कि कैसे जीना है खाना है जो भी। तो वैसे ही ये लंग फिश जो था इसने भी तैयारियां शुरू की। इसने तैयारियां कैसे शुरू की, हम जानते हैं इन लंग फिशेस के पास लोब फिन्स थे, है ना। तो ये फिन्स को इनने, इनमें जो ये रे कल था, लोब था, ऐसे बोन्स थे ना, मैंने दिखाया था रे फिन फिश में और लोब फिन फिश में, तो वैसे ही इनने अपने फिन्स में क्या किए, ये बोन्स वाले पोर्शन को इंक्रीज किया, बोन वाले पोर्शन को इंक्रीज किया और इंक्रीज करके कुछ डिजिटिस बना लिए, पंजे बना लिए, पंजे लाइक एडेप्टेशन ले आए, मतलब हाथ तो बने ही, अपेंडेजेस या लिम्स तो बने ही, उन लिम्स के साथ पंजे बनने शुरू हो गए, ठीक है। उन पंजों में धीरे धीरे क्लॉज भी आने लगे ग्रिप करने के लिए, किसी चीज को, किसी टहनी को, पेड़ को ग्रिप करने के लिए क्लॉज भी आने लगे। तो मतलब कि ये जो फिन्स हैं लंग फिशेस में, जो ये फिन्स थी वो रेप्टाइल्स में इसमें इवॉल्व हो गए, सॉरी रेप्टाइल्स के एम्फीबियंस में किसमें इवॉल्व हो गए, डिजिट्स में इवॉल्व हो गए, उनके पंजे बने और उन पंजों में उंगलियां बनी, उन उंगलियों के बीच में नेट बने, तो ये इवोल्यूशन हुआ उनके फिन्स से। तो इस तरह से उस लंगफिश ने तैयारी की एम्फीबियन बनने की कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब इस पानी में नहीं रहेंगे, उड़ेंगे दौड़ेंगे सब कुछ करेंगे पर इस पानी में नहीं रहेंगे, और यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। ऐसा बोलते हैं ना लंग फिशेस के लिए जो कि बाद में एम्फीबियंस में बदल गए, उनको ऐसे बोलते हैं कि डोंट वॉक अवे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। उसकी वाइफ ऐसे पीछे से आवाज लगा रही थी कि डोंट वॉक अवे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू,
झगड़ा पूरा खत्म करके जाओ, आधे में झगड़ा क्यों छोड़ के जा रहे हो, झगड़ा पूरा खत्म होना चाहिए। जनरली जो लड़कियां होती हैं या फिर वाइफ्स होती हैं, उनकी आदत होती है झगड़ा जब तक पूरा नहीं खत्म होगा, पूरा पूरा उनको आंसर नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक झगड़ा कंटिन्यू रहता है। अगर बीच में आदमी झगड़ा बंद करके चुपचाप निकल गया तो उनके दिल को शांति नहीं मिलती। तो ये इसने मेल लंगफिश जो भी था इसने ट्राई किया कि भाई झगड़ा बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ये टर टर अपना चिल्लाती रहे, ठीक। तो वो भाग गया और उसने शुरुआत की इवोल्यूशन की। कहा किस चीज की इवोल्यूशन? पानी से लाइफ छोड़ के लैंड पे, ठीक, एक्वेटिक लाइफ छोड़ के टेरेस्ट्रियल लाइफ की। और यही सारी मुसीबत की जड़ थी, यही मुसीबत की जड़ थी जो आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, जॉब करनी पड़ रही, यहीं से सारी मुसीबत शुरू हो रही। ना तो ये पानी से निकलता, ना तो हम बने होते हैं, है ना, बहुत दिक्कत है। तो ऐसा एक और मीम आता है कि अगर आपको टाइम मशीन मिले तो क्या करोगे? तो टाइम मशीन मिले तो उसको डंडे से मार के अंदर भेज देंगे, अंदर जा वापस पीछे कर देंगे। तो ये हो गया जो खत्म कहानी। तो टेट्रापॉड्स जो है वो इवॉल्व हुए किससे? लंगफिशेस से। लंगफिशेस जो है कॉमन एंसेस्टर मानी जा सकती है इनका, इनके इवोल्यूशन में कि लंगफिशेस से फिर एम्फीबियंस आए। तो अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टेट्रापॉड्स में सारे आ जाते हैं हमारे, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एवीज आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, सारे कुछ इन टेट्रापॉड्स में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेट्रापॉड की कैरेक्टरिस्टिक की। तो हो सकता है वाटर में भी कुछ कुछ टेट्रापॉड थोड़ी समय के लिए जाएं या वाटर में भी रहें। ऐसा नहीं है कि इनने इवॉल्व होने के बाद वाटर लाइफ कम्प्लीटली छोड़ ही दी। कम्प्लीटली तब छोड़ा जब बिल्कुल बाद में एकदम इवॉल्व हो चुके, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सडन इनने बिल्कुल ही वाटर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ छोड़ दी, थोड़ा थोड़ा आते जाते रहते हैं, ठीक। दूसरा है इनके पास दो पेयर पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होती हैं। दो पेयर पेंटाडेक्टाइलस लिम्स का मतलब एक लिम, दो लिम, और इनके पास पांच उंगलियां, ठीक। और ऐसा ही पैरों में दो पेयर, वन पेयर तो ये हो गए और वन पेयर हमारे पैरों में हो गए और उनमें क्या, पांच पांच उंगलियां। तो ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है टेट्रापॉड होने के लिए, दो पेयर पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होते हैं, ठीक। पेंटाडेक्टाइलस मतलब पांच, डेक्टाइलस मींस उंगलियां, ठीक। गिल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसका मतलब ये है गिल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कि जैसे अगर हम एग्जांपल ले फ्रॉग का, तो फ्रॉग में एक लार्वा होता है टैडपोल लार्वा। जब हम उसका टैडपोल लार्वा का शुरू में लाइफ देखते हैं तो वो एग्जैक्टली फिशेस जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एंसेस्ट्री ही वही रही है ना, उसके एंसेस्टर वैसे ही थे। वो उसके पास टेल होगी और उसके पास गिल्स होगी रेस्पिरेशन के लिए, तो शुरुआत वहीं से होती है, ठीक। टैडपोल लार्वा के पास गिल्स होता है, लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं तो इनके पास लंग्स भी होते हैं। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, टेट्रापॉड्स में एक्सोस्केलेटन होता है। हम भी एक टेट्रापॉड है, हमारे पास क्या है, हमारे नेल्स है। लड़कियों के पास सुंदर सुंदर नाखून होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है एक्सोस्केलेटन का। ऐसे ही लड़कियों के पास सुंदर सुंदर बाल होते हैं, लंबे लंबे घने घने, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोस्केलेटन का है। तो हमारे पास भी एक्सोस्केलेटन है। सिमिलरली जो अगर हम रेप्टाइल्स में देखें तो उनमें भी स्केल्स होते हैं, ठीक। बर्ड्स में देखें तो वहाँ फेदर्स होती हैं और हेयर्स, हम में तो हेयर्स बहुत कम हो गए। अगर हम बात करें पांडा की या फिर बियर की या फिर कुछ और ऐसे जानवरों की जो बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से फील देते हैं हेयरी टेक्सचर की वजह से, उनका बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो वो हेयर क्या है, किसका पार्ट है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। फिर उसके बाद एंडोस्केलेटन की बात करें तो हमारे अंदर भी एंडोस्केलेटन है, हम सबके अंदर एंडोस्केलेटन है। जो भी हम खड़े चलते फिरते पाए जाते हैं वो एंडोस्केलेटन की वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा बोन है, वर्टिब्रेट सिस्टम है, टेबुला है, फीमर है, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जांपल हैं बोन्स के जो कि एंडोस्केलेटन का पार्ट है। हार्ट होता है, तो टेट्रापोड्स में वेरी करता है हार्ट। जैसे अगर हम एम्फीबियंस की बात करें और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें
तीन चैम्बर हार्ट होता है, थ्री चैम्बर हार्ट, और अगर हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो इनमें फोर चैम्बर हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में भी अगर हम क्रोकोडाइल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उनके पास फोर चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, क्या चल रहा है भाई, क्या कमेंट करते रहते, पानी में रहते आराम से, अभी तक उस फेज से निकले ही नहीं, वही चल रहा है अभी तक दिमाग में, इतना मैं टेट्रापोड टेट्रापोड बता रही हूँ, दिमाग में अभी वही चल रहा है। कहोगे मैम रिवाइज कर देना, भाई तुम लोगों को टाइम कहाँ से मिलता है पढ़ते टाइम ऐसे कमेंट टाइप करने की, मस्ती करने की। हाँ तो जितना टाइम तुम लोग ये इतना सारा मैटर टाइप करने में लगाते हो, उतना टाइम अगर नोट्स लिख लोगे ना छोटा 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 छोटा, दोबारा रिवीजन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो होशियार बच्चे होते हैं यही करते हैं। तो अब टेट्रापोड्स मैंने बताया क्या मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होती है इसकी फोर फिट, चार पैर होना। ठीक, इसके अलावा लिम्स की भी बात कर ली हमने कि दो पेयर लिम्स होते हैं और पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, और यही क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं लैंड पे चलने में, फिरने में, वॉक करने में, सब कुछ करने में, यही दो पेयर लिम्स जो होते हैं इनको सपोर्ट करते हैं। जनरली इनका हेड जो होता है वो एक नेक पोर्शन, थोरैक्स पोर्शन के थ्रू जो होता है मेन बॉडी से डिवाइडेड होता है, और इसी वजह से ये ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे देखने में जो होते हैं कैपेबल होते हैं, काफी हद तक कैपेबल होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद पैल्विक गर्डल पाया जाता है। पैल्विक गर्डल जो कि हिप के पास एक बोन होता है वो बैकबोन से जुड़ा होता है, उसी से जो हमारा जो हाइंड लिंब है जिसको जो पैर बोलते हैं हम उनको, वो पैर भी उसी पैल्विक गर्डल से जुड़ा होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं, टेट्रापॉड के होते हैं। एडल्ट में गिल्स नहीं होती हैं, और गिल्स कहाँ होती हैं, गिल्स होती हैं लार्वा में डेवलपमेंट के टाइम। तो अब हम शुरू कर देंगे हमारा एक एक करके जो फाइलम है, कौन कौन सा फाइलम है, एम्फीबियंस है, फिर उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स हैं, एवीज है, एंड देन मैमल्स है, इतना हमको खत्म करना है। ठीक, तो एम्फीबियंस शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। नोट्स प्रोवाइड कर दोगे, देखो क्लास जैसे खत्म होगी मुझे लगता है 15-20 मिनट की गैप पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं क्लास खत्म करके तुरंत खाना खाने बैठ गई तो हो सकता है आधे घंटे बाद आपको मिल जाए पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ आपको आज के आज मिल ही जाएगी, इतना तो श्योर है ना। तो हम एम्फीबियंस पे शुरू होने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियन नाम अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एम्फी का मतलब होता है कॉमन। ठीक, एम्फी का मतलब कॉमन, बियंस मतलब दो जगह, बियंस बाई एंस बाई एन बाई बाई मतलब क्या होता है दो, तो दो जगह अगर कोई कॉमन हो तो उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दो जगहों पे कॉमन होते हैं। वो दो जगह कौन कौन सी हैं, एक एक्वेटिक एक टेरेस्ट्रियल, मतलब कि ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, और दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम है एम्फीबियंस। अब इन एम्फीबियंस में जनरली हमारे आते हैं टोड्स, बूफो, ठीक, फ्रॉग्स आते हैं, हमारे मेंढक मेंढक जो होते हैं टर्टर करके वो आते हैं, इसके अलावा सेलामेंडर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं एम्फीबियंस में आते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एम्फीबियंस जो है आपके, एम्फीबियंस जो है इनकी ओरिजिन हुई है लंग फिशर से। ये कहां से हुई है, लंग फिशर से हुई है, और कब हुई है, डेवोनियन पीरियड में, डेवोनियन पीरियड के टाइम जो है ये सारा मामला शुरू हुआ था। कौन सा मामला शुरू हुआ था, लंग फिशर्स का अपनी वाइफ से झगड़ा करने का, और फिर उसके बाद पानी को छोड़ के बाहर आने का। ठीक,
ये कौन से पीरियड में ये इवेंट हुआ था? डेवोनियन पीरियड में ये इवेंट हुआ था और लंग फिशेस से शुरुआत हुई थी टेट्रापॉड लिम्स के आने की। तो सबसे पहले हम एम्फीबियंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो सबसे पहले जो फिन्स थे ना, पहला तो हम कह रहे हैं कि लंग फिशेस से शुरू हुआ, तो हमने शुरू में ही देखा कि उसने क्या तैयारी की थी अपना एक्वेटिक लाइफ छोड़ने से पहले, अपना घर छोड़ने से पहले क्या तैयारी की थी, अपने फिन्स को वॉकिंग लेग्स में बदला, ठीक, वॉकिंग लेग्स में बदला ताकि जब वो जमीन पे जाए तो चल फिर पाए, ऐसा नहीं हो कि वहां जाके लेट जाए, खत्म लाइफ खत्म, क्योंकि हम चल ही नहीं सकते। तो उसने क्या किया, अपने फिन्स को स्टबी जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स में जो है डेवलप किया। इसके अलावा ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कल की स्लाइड में हमने कंपैरिजन देख लिया था कि वार्म ब्लडेड में सिर्फ कौन आएगा, बर्ड्स आएंगे एंड मैमल्स आएंगे, उसके अलावा जितने क्वाड्रेंट्स हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक। स्किन जो होती है, स्किन में कुछ अब ग्लैंड्स आ गए हैं ना, अलग अलग तरह के ग्लैंड्स आ गए। तो जनरली अगर हम कुछ व्यू की बात करें तो वहां पे क्या ग्रैनुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो क्या ग्लूकोज की बात करें तो वहाँ ग्रैनुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि पॉइजनस होता है, ठीक, पॉइजनस होता है। और इसके अलावा कुछ सीरो म्यूकस ग्लैंड होते हैं और म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो स्किन पे रेगुलर एक सिक्रेशन बनाए रहते हैं। इन्हीं सिक्रेशन की वजह से जब कभी आप अगर मेंढक को, ग्लूकोज को या टोट्स को टच करोगे तो उनकी स्किन ना म्यूसिलेजनस सी लगेगी आपको, ऐसे मॉइस्ट मॉइस्ट सी, चिकनी चिकनी सी, चिपचिपी सी लगेगी हमेशा, तो वो इन ग्लैंड्स की वजह से होती है। इसके अलावा ये इनके पास ड्राई लैंड में रहने की एबिलिटी होती है, कुछ ड्राई लैंड में रहते हैं, कुछ मॉइस्ट जगहों पे रहते हैं, मतलब लैंड पे रह रहे हैं पर ऐसे लैंड पे रह रहे हैं जहाँ पे मॉइस्चर रिटेन हुआ हो, जैसे दलदल हो गया, जहाँ पानी भरा हुआ है, स्वैम्प्स हो गए, ठीक, यहाँ मिट्टी के साथ काफी सारा मॉइस्चर है, पानी है, वैसी जगहों पे। तभी तो हम बोलते हैं कि जब बरसात आता है तब मेंढक बाहर निकलते हैं, क्यों, क्योंकि बरसात में उनको ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है कि हम बाहर आराम से घूम फिर सकते हैं, है ना। तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है काफी हद तक स्किन से भी होता है और लंग्स तो होते ही होते हैं, स्किन से भी काफी हद तक रेस्पिरेशन होता है। तो एक बात सोचो कि अगर स्किन इनके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को एक्सचेंज कर सकती है, मतलब एयर एक्सचेंज कर सकती है समहाउ, है ना, तो मतलब कि स्किन जो है जल्दी जल्दी क्या कर सकती है, वाटर को भी, अगर ज्यादा टेम्परेचर ड्राई हुआ आसपास तो वाटर भी इवेपोरेट होगा, वाटर भी इवेपोरेट होके बाहर निकलेगा। तो बस यही चीज होती है कि ये बहुत ज्यादा सूखी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सूखी जगहों पे, सूखे एकदम ड्राई लैंड में हमेशा नहीं पाए जाएंगे, बहुत रेयर केसेस होंगे जब ड्राई लैंड पे एम्फीबियंस मिलेंगे आपको। तो ड्राई लैंड पे ये क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनकी स्किन से लगातार जो है वॉटर इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायरेशन होता है ना, ट्रांसपायरेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकी स्किन ड्राई होने लगेगी, इनको अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, इनको, इनके लिए फेवरेबल कौन सा एनवायरनमेंट है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है। तो इसीलिए ये ट्राई करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन काफी पतली होती है, तो जैसे ही ड्राई लैंड में जाते हैं, ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वैसे ही मॉइस्चर लूज करने लगते हैं, तो क्या होता है कि ये आराम से रह नहीं पाते हैं, जब पानी उड़ने लगता है तो कहाँ से रहेंगे। इसलिए ये ट्राई करते हैं कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहें, जहाँ पे इनके ग्लैंड भी इनका साथ दे सके, म्यूकस सिक्रीट करके और आराम से रह सके। तो मतलब हमने क्या समझा, और इसके अलावा इनका रिप्रोडक्शन भी अभी पानी में ही होगा, कम्प्लीटली लैंड पे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये घर छोड़ के तो निकल गए लेकिन घर की आदतें नहीं भूल पाए। हमें से होता है ना, हम जब भी घर छोड़ के निकलते हैं लेकिन घर की यादें आती रहती हैं। वैसे ही इन एनिमल्स का घर क्या था, इन एनिमल्स का घर था एक्वेटिक लाइफ, ठीक, पानी की जिंदगी जीते थे, लेकिन पानी को छोड़ के अब जमीन पे आ चुके हैं, लेकिन इनको बार बार पानी की जरूरत पड़ती रहेगी, समझ में आ रहा है, पानी की जरूरत पड़ती रहेगी। अब जो अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ओवरऑल इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट
जो है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्रॉपर, किडनी विडनी बनी हुई है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्लोज टाइप का है, रेस्पिरेशन के लिए अब लंग्स भी आ चुके हैं, और क्या चाहिए भैया, मतलब काफी इवॉल्व है, काफी इवॉल्व है। अब अगर कुछ बातें देखें तो यहाँ पे लिखा है क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर क्या होता है, एक ऐसा होल होता है, ऐसा डक्ट होता है जिसमें रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव तीनों सिस्टम आके उस अपर्चर पे खुलते हैं, एंड होते हैं। तो मतलब ये वेस्ट काफी इस तीनों ऑर्गन सिस्टम का जो है एक कॉमन अपर्चर बन सकते हैं। एक इसके अलावा फीमर वगैरह प्रॉपरली पाए जाते हैं, सारे बोन्स पाए जाते हैं जो हमें पाए जा सकते हैं। इनका जो हाइंड लेग होता है, हाइंड लिंब होता है, उनमें वेब प्रेजेंट होते हैं, सारे जो उंगलियां होती हैं उनके बीच बीच में क्या होते हैं, वेब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें तो यहाँ पे कानों की जगह होते हैं टिम्पैनम। क्या होते हैं? टिम्पैनम होते हैं जो इनको हियरिंग में ऐड करते हैं, हियरिंग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये डिजिट्स, 5 डिजिट्स होते हैं। निक्टिनेटिंग मैम्ब्रेन होते हैं आईज के ऊपर। निक्टिनेटिंग मैम्ब्रेन मतलब ये ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मैम्ब्रेन होता है कि अगर ये पानी में जाए तो पानी में इनको आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़े, ये मैम्ब्रेन क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ये आराम से स्विम करके पानी में देख सकते हैं। हमारे साथ क्या है, हमारे पास निक्टिनेटिंग मैम्ब्रेन नहीं है, तो अगर हम पानी में जाते हैं तो हमारी आंखों में क्या होती है, रेडनेस और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन इनका इनका कुछ ऐसा नहीं है, ये आराम से आंखें खोल के घूम सकते हैं क्योंकि इनके पास एक ट्रांसपेरेंट निक्टिनेटिंग मैम्ब्रेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स, नई चीज है, नॉस्ट्रिल्स आ गए हैं, इनके पास नॉस्ट्रिल्स आ गए हैं, ठीक। और बकल कैविटी है, यहाँ पे थोरेक्स रीजन में एक बकल कैविटी भी है इनके पास। तो ये सारी चीजें कितनी इवॉल्व हुई है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो सब कुछ इनके पास प्रॉपरली प्रेजेंट है। ये इनका जो है बोलेंगे एंडोस्केल्टन सिस्टम है, एंडोस्केल्टन सिस्टम है। तो इनके पास स्कल होता है, ठीक है, रेडियस अल्ना होते हैं, कार्पल मेटाकार्पल होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं उनसे मिलते जुलती हड्डियां, यहाँ टीबियो फिबुला होता है, पेल्विक बोन है, टॉर्सल मेटाटॉर्सल फैलेंज फीमर सब कुछ जो है, स्कैपुला सब कुछ प्रेजेंट है। ओवरऑल पूरा स्केल्टन सिस्टम जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। इट विल हैव लंग्स एंड गिल्स बोथ एट अ टाइम। देखो क्या होता है कि कुछ जो है उनमें लंग्स गिल्स दोनों एक टाइम पे पाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली फ्रॉग को इसका एग्जांपल अगर मान लें एंथ्रीजन को, तो फ्रॉग के केस में गिल्स जो है टैडपोल लार्वा के पास है लेकिन इनके पास नहीं है, ठीक। अदरवाइज अगर लंग्स के अलावा गैस एक्सचेंज की बात करेंगे तो स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। हाँ, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो टैडपोल्स जो हैं, टैडपोल्स में देखो अभी भी टैडपोल्स का जो स्ट्रक्चर है काफी हद तक फिशेस से मिलता जुलता है ना, फिशेस से मिलता जुलता है। अभी भी इनके पास टेल प्रेजेंट है, अभी भी इनके पास जो है गिल्स प्रेजेंट है। तो मतलब कि अभी ये अपनी एंसेस्ट्री किससे कॉमन रख रहे हैं, फिशेस से कॉमन रख रहे हैं। यहाँ से हम एक एविडेंस मिलता है कि इनके एंसेस्टर कौन हो सकते हैं, फिशेस हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज जो है वो बोल सकते हैं। और डायराइनस कंडीशन होती है, डायराइनस कंडीशन मतलब दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, दो जो अभी मैंने आगे वाले में दिखाया था ना कि दो ऐसे छोटे छोटे भी छेद थे, तो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायराइनस कंडीशन, ठीक। इसके अलावा ये एम्फीबियंस का लंग्स है, ठीक है, और ये भी ऐसे होता है दो, ठीक, दो लंग्स ऐसे इनमें भी होता है, तो प्रॉपर एम्फीबियन लंग्स भी इनमें प्रॉपरली है, ठीक। अब अगर हम बात करें इनके इंस्पिरेशन की, ठीक है,
इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे हो रहा है, कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो होता क्या है, ये एयर लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, एयर लिया इनने, अब इनके यहाँ इस वाले पोर्शन में, थॉरेक्स वाले पोर्शन में एक बकल कैविटी होती है, तो वो बकल कैविटी जैसे ये एयर लेते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, उसमें एयर भर जाता है। ठीक, तो अभी क्या है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग खुली हुई है बकल कैविटी की, अब पानी, अब जो एयर है वो बकल कैविटी में भर गया। इसके बाद एक और ओपनिंग यहाँ पे खुलेगी और फिर यहाँ वाली ओपनिंग बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये एयर जो कि बकल कैविटी में भरा है वो कहाँ चला जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाती है प्रॉपर इंस्पिरेशन, सांस लेना। अब वापस से एक्सपिरेशन जब होता है तो क्या होता है, एक्सपिरेशन जब होता है तो वापस से लंग्स क्या होते हैं, पिचकते हैं, पिचकते हैं, बकल कैविटी में एयर आती है और फिर कहाँ, बाहर निकल जाती है। तो ये इस तरह से इनका इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है, सांस लेते हैं ये इस तरह से। अब कुछ ये एग्जांपल देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है एंटर कर रहा है, कैसे जो है एयर बकल कैविटी के थ्रू, ये बकल कैविटी है आपकी जहाँ पे ये एरो दिख रहा है, उसके बाद ब्लू कलर से जो है वो लंग्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है बकल कैविटी में आती है और बकल कैविटी से ओपनिंग खुलती है, फिर वो लंग्स में जाती है। तो ये इनका होता है सांस लेना और सांस बाहर निकालना, और सबसे पहले लंग्स, इनमें अगर लंग फिशेस में एक तो डेवलप हुआ, उसके बाद एम्फीबियंस में डेवलप हुआ है ना। हार्ट की बात करें तो इनके पास तीन चैम्बर हार्ट हैं। ठीक, मैंने क्या बोला था, एकदम से याद कर लो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास तीन चैम्बर हार्ट है, बर्ड एंड मैमल्स के पास फोर चैम्बर हार्ट है, क्रोकोडाइल जो कि एक रेप्टिलियन है वो एक्सेप्शन है, उसके पास फोर चैम्बर हार्ट है। तो यहाँ पे एम्फीबियंस के केस में तीन चैम्बर हार्ट है, थ्री चैम्बर हार्ट है। आरबीसी जो है बाई कॉन्वेक्स है प्लस न्यूक्लिएटेड है, हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं है लेकिन इनकी आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड है। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनमें क्रैनियल नर्व कितने होते हैं, तो 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं और इनका जो क्रैनियम पोर्शन होता है वो कार्टिलेजनस होता है। इसके अलावा जो इनका स्कल होता है, खोपड़ी होती है, वो डाइकोंडलिक होती है। क्या होती है, डाइकोंडलिक स्कल होती है, इस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से ये वी शेप बनाती है और जाके कहाँ फिक्स होती है, यहाँ जो बैकबोन होता है, जो वर्टिब्रेट होता है उसकी शुरुआत पे जो जाके यहाँ पे फिक्स हो जाती है ये, और इसी वजह से ये ऐसा ऐसा मोशन कर पाते हैं, साइड बाय साइड का मोशन उनका पॉसिबल हो पाता है। तो उनका ये कौन सा स्कल है, डाइकोंडलिक स्कल है, बाकी इनमें क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं 10 पेयर्स। ठीक, और जो क्रैनियम है वो कार्टिलेजेस, कार्टिलेज की बनी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व है, सेरेब्रम है, सेरेब्रम है, प्रॉपर ब्रेन जो है वो फ्रॉग में आ गया है। इसके बाद अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, है ना, तो हमने क्या बोला था कि इनको अभी भी पानी की जरूरत है, पानी में ही जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी अवेलेबल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन सबसे पहले मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है लेकिन कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं पानी के पास जाते हैं और अपना स्पर्म एंड एग रिलीज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपुलेशन नहीं होती, कॉपुलेशन क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉपुलेटिव ऑर्गन मेल के पास प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए जो जनरल फिनोमिना होता है कॉपुलेशन का कि मेल के पास पेनिस होती है और फिर उसके बाद जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किया जाता है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों, फीमेल बैठती है अपने एग डिस्चार्ज करती है, मेल ऊपर बैठता है अपने स्पर्म डिस्चार्ज करता है। अब एग और स्पर्म एक ही जगह पे अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज होंगे,
ठीक है, तो एक ही जहां पे फीमेल एग छोड़ती है वहीं पे मेल स्पर्म छोड़ता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, ये सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है एक्सटर्नली होता है वाटर के अंदर, तो उसके बाद फिर लार्वा डेवलप होता है, जो भी डेवलप होता है सब कुछ ठीक। तो यानी कि अभी भी इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है। दूसरी बात, पानी के लिए एक और जरूरत, देखो दो चीजें हैं, एक तो मेल के पास ओपुलेटिव ऑर्गन नहीं है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि जो इनके एग होते हैं वो अभी तक एमनियोटिक नहीं हुए हैं, इनके पास कोई प्रॉपर हार्ड शेल नहीं है जो इनको ड्राई एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करे, है ना। अभी तक एमनियोटिक एग डेवलप नहीं हुए हैं जो इनको ड्राई एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करे। तो क्या होता है कि अब जब एमनियोटिक माहौल नहीं प्रेजेंट है, शेल नहीं प्रेजेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राई एनवायरमेंट से, तो इनकी मजबूरी बन जाती है कि ये चाह के भी ड्राई लैंड पे अंडे नहीं दे सकते हैं, इनको पानी में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये दो रीजन हो गए जिनकी वजह से ये अभी तक रिप्रोडक्शन लैंड पे नहीं कर सकते। क्या लैंड पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और इसलिए इनको क्या अपने अंडे देने पड़ते हैं पानी में, पानी के अंडे एम्ब्रियो बनते हैं, फिर टैडपोल लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, फिर इनमें पहले तो गिल से ब्रीदिंग शुरू होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब टैडपोल थोड़े फ्रॉग में कन्वर्ट, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, तो इनमें पल्मोनरी ब्रीदिंग जो होती है स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइनली एडल्ट फ्रॉग जब बन जाते हैं तो पूरा पूरा जो रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंड हो जाता है, लंग्स पे डिपेंड हो जाता है, स्किन पे डिपेंड हो जाता है ठीक। अब देखो लिविंग एम्फीबियंस की बात करें तो इनको तीन ऑर्डर में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है जिम्नोकोबिया, दूसरा होता है एनुरा और तीसरा होता है यूरोडेला ठीक। जिम्नोकोबियन की बात करें तो इनमें सेसिलियंस आते हैं, ये जनरली बेचारे बहुत प्यारे एम्फीबियंस हैं जिनको लोग इग्नोर मार देते हैं कम्प्लीटली। जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो सेलेमेंडर्स की बात करते हैं, फ्रॉक्स की बात करते हैं, बुफोस की बात करते हैं, टोड्स की बात करते हैं, लेकिन किसी को भी सेसिलियंस की याद नहीं आती है। तो भाई ये भी हैं, इनको इक्थोफिस भी बोला जाता है, इक्थोफिस भी बोला जाता है ठीक। ये कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, तो ये जिम्नोफोबिया में आते हैं सेसिलियंस, एक वॉर्म लाइक अपियरेंस होता है, कोई हाथ पांव नहीं है ठीक है। ट्रॉपिकली क्या करते हैं, ट्रॉपिकली रहते हैं और बरोइंग करते हैं, मतलब जमीन में कहीं कहीं गड्ढे खोद के और रहते हैं। अब ये सबसे बेचारे एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस के सबसे बेचारे एनिमल्स हैं, बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है कि शुरू शुरू में आए होंगे तो यही आए होंगे बिल्कुल, है ना, क्योंकि इनपे कुछ है ही नहीं, ना तो हाथ पांव है, इसलिए इनको एपोडा भी बोला जाता है, हाथ पांव भी नहीं है, नो लिम एपोडा बोल दिया ठीक है, कान नहीं है, बहरा है, पूरी तरह से बहरा है, तो नो टिम्पेनम, टिम्पेनम को हमने क्या बोला था कि ये कान की जगह होता है, तो टिम्पेनम नहीं है तो बहरा भी है, मतलब हाथ पैर भी नहीं है, लंगड़ा है, भूला है, ये बोला जा सकता है, बहरा भी है, नो टिम्पेनम, बहरा भी है, नो टेल, टेल भी नहीं है, अब ब्लाइंड भी है ठीक है, आंखें भी नहीं दी हैं, ब्लाइंड है, आंख भी नहीं है, वॉर्म लाइक अपीयरेंस है, अभी भी बेचारा वॉर्म की तरह से बरो करके रहता है, अब उस पे भी टंग भी नहीं दिया है, बापरे जुबान भी नहीं दी है, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी दे दी है, मतलब इनकी फीमेल जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। तो ओवरऑल ये हो गए जिम्नोकोइना। इसके बाद आते हैं एनुरा, जिनको हमने भर भर के देखा है, आंखों से भर भर के देखा है, आंखों से खेला भी है, हाथ में उठाया है, फेंका है, इधर उधर पता नहीं क्या क्या किया है। तो इनमें आते हैं फ्रॉक्स, बुफोस एंड टोड्स ठीक, ये टिपिकली ट्रॉपिकल जगह पे रहते हैं, वार्म टेम्परेट रीजन पे, और इनके लार्वा को बोलते हैं हम टैडपोल लार्वा, क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं इनके। इनमें भी अगर हम बात करें टोड्स की तो इनकी स्किन थोड़ी टफ हो जाती है ठीक, अगर हम फ्रॉक्स से कंपेयर करें तो टोड्स की स्किन थोड़ी टफ हो जाती है, स्टबी हो जाती है, और उसपे कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, थोड़ी दरदरी सी स्किन होती है, सॉफ्ट और क्लीन सी स्किन नहीं होती है, थोड़ी सी रफ स्किन होती है, और ये इनको ऐसा बनाती है कि ये थोड़े ड्राई प्लेसेस पे रह सकते हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं कंप्लीटली मॉइस्ट कंडीशन में रहेंगे,
लेकिन टोड्स आपको थोड़ी ड्राई कंडीशंस में भी मिल जाएंगे। समझ में आए? तो टोड्स एंड फ्रॉग्स में ये जो है डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस है, हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है यूरोडेला की। यूरोडेला में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये वाले जो है आपके बीच वाले एन्यूरा वाले, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देते हैं। बाकी ये दोनों जो है जिम्नोफियोना और यूरोडोला, ये दोनों इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ये वीवी पैरस है, ये सेलामेंडर जो है वीवी पैरस है, और इसके लार्वा को हम बोलते हैं एक्सोलॉटल लार्वा। क्या बोलते हैं? एक्सोलॉटल लार्वा बोलते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं और उनके पास लंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं और उनके पास लंग्स नहीं होते। अब लंग्स नहीं है, गिल्स भी नहीं है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कम्प्लीटली स्किन के थ्रू होता है, सारा स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा माउथ लाइनिंग से भी ये गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये चीज समझ गए पूरा? सो सॉरी डियर, किसके लिए से? ये जिम्नोफियोना के लिए, बेचारे जिंदगी दी है जुबान नहीं, और तुम लोगों को जिंदगी नहीं दी है लेकिन जुबान बहुत बड़ी दी है। जिंदगी के नाम पे कुछ नहीं है, दिन भर क्लास अटेंड करो, कोई मौज नहीं है। ठीक, तो इन बेचारे एनिमल्स के ऊपर एक मीम भी हो गया कि हे फ्रॉग, आई एम वंडरिंग व्हाई नो वन रिमेंबर मी बिकॉज़ सिसिलियंस, व्हेन पीपल थिंक अबाउट एम्फीबियंस दे यूजुअली डोंट थिंक अबाउट सिसिलियंस। एक आई वंडर व्हाट इट्स लाइक टू हैव लेग्स एंड आईज। ठीक, बेचारे सोचते रहते होंगे कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि भगवान ने मुझे ना हाथ दिए, ना पांव दिए, ना कान दिए, ना आंख दिए, टंग भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, बस एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी दे दी। कितने बेचारे हैं ये दुनिया के। एसकेजी किसके लिए मोटिवेशन हो रहा है भाई? जिल क्यों? एसकेजी ने ऐसा क्या किया कि मोटिवेशन हो गए? मुझे भी पता चले, जल्दी बता दो। अब देखो, हम फ्रॉग्स वर्सेस टोड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉग्स की बात करें तो इनकी स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। मैंने शुरू में ही बताया था, स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, वो म्यूकस ग्लैंड होता है ना, उसकी वजह से इनकी स्किन मॉइस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका स्किन जो पतला होता है ना, तो बहुत जल्दी 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 पानी जो है बाहर इवेपोरेट होके चला जाता है, इनको जरूरत होती है म्यूकस ग्लैंड की और मॉइस्ट जगह पे रहने की, अदरवाइज ये नहीं रह पाएंगे। स्मूथ होती है स्किन, मॉइस्ट होती है, प्लस इनकी इनके लेग जो होते हैं लंबे सिलेंड्रिकल होते हैं, और कंपैरेटिवली टोड के इनके लेग जो होते हैं ज्यादा लंबे होते हैं। इनके जो हाइंड लेग है वो क्या होते हैं? वेब्ड होते हैं, मतलब वेब प्रेजेंट होती है उनके डिस्टिलिस पे। क्या प्रेजेंट होता है? वेब प्रेजेंट होता है। ठीक, ये जो अंडे देते हैं वो क्लस्टर में अंडे देते हैं, एक तरह से इरेगुलर क्लस्टर होता है, उसमें अंडे देते हैं, ठीक है। और इनके पास तरह तरह की आवाजें होती हैं, कई तरह की आवाजें होती है, जबकि ये टोड बेचारा जो होता है उसके पास एक ही हाई पिच की आवाज होती है, वो एक ही तरह से हमेशा बोल सकता है, जबकि ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये कई तरह की आवाजें निकाल सकते हैं अलग अलग पिच की। जनरली फ्रॉग जो होते हैं वेट हैबिटेट्स में मिलते हैं, जबकि ये जो होता है टोड हमको ड्राई हैबिटेट्स में भी मिल सकता है। टोड्स की स्किन जो होती है ड्राई होती है, बम्पी होती है, जैसे हमारे बहुत सारे पिंपल्स कभी कभी निकलते हैं ना, वैसे ये समझ लो कि इसकी स्किन ड्राई होती है और उस पर बहुत सारे पिंपल्स भी होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है। पिंपल्स नहीं होते, मतलब बम्पी स्किन होती है। और इनके लेग ना छोटे छोटे स्टबी से होते हैं, और इनके पैरों में फीट में वेब्स नहीं होते हैं, ठीक। इसके अलावा
अभी मैंने बोला कि फ्रॉग ने अंडे देने कैसे फ्लशर्स में अंडे दिए, जबकि टोड जो होते हैं वो अंडे कैसे देते हैं, रे, ठीक है, लाइन बनाते हैं, लाइन में लॉन्ग चेन में अंडे देते हैं। इनके पास एक ही तरह की हाई पिच की आवाज एक ही होती है, हाई पिच की आवाज होती है, ठीक। फ्रॉग्स के पास कई तरह की आवाजें होती है। तो समझ गए फ्रॉग एंड टोड में डिफरेंस। फ्रॉग के लेग्स लंबे दिखेंगे, इसके लेग्स हमेशा आपको छोटे दिखेंगे, और स्किन देख के भी पहचाना जा सकता है। ये रहा हमारा बेचारा जानवर, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया, सॉरी। हाँ, ये रहा हमारा बेचारा जानवर जो नीले रंग का दिख रहा है, बहुत बेचारा है ये। और इसके बाद ये टोड है जिसकी स्किन क्या है, थोड़ी स्टबी सी है, बंपी सी है। ये हमारे सेलामेंडर्स हैं और ये हमारे फ्रॉग, ठीक है। इनकी स्किन एकदम सॉफ्ट कोरियन स्किन होती है, भले काला है तो क्या, मतलब एकदम सॉफ्ट ग्लासी स्किन होती है, ठीक है, और चमकदार मॉइस्ट भी होती है। समझ में आया। अब चलते हैं हम एक छोटे से पिक्चर की तरफ। All around the world, you can find a colourful, crawling, swinging, and slithering class of animals called amphibians. These fascinating creatures, frogs, toads, salamanders, and newts. There is a great variety in this class of animals. Some have spectacular colours, bright reds, blues, yellows. Others blend into their environment with a neutral brown or green color. Sizes could range from 1 centimeter to 1.5 meters. Some have long, strong legs, others no legs at all. Now, the scientists classify amphibians. The word has root in letters that mean two lines. Because amphibians spend part of their lives in water and part on land. Most amphibians lay their eggs in water. After being hatched, these new amphibians spend their lives in water before transitioning to adult and moving to land. Amphibians are ectothermic. So their body temperature depends on their surroundings. This is sometimes referred to as being life. Amphibians are vertebrates, which means each one has a back, though some of them don't grow. Throughout their lives, they go through what's called metamorphosis. That means they look different when they are young than they do when they are adults. Example, frogs begin as tadpoles. See how different they look from adult frogs? As amphibians go through their brain, their bodies change, including the way they breathe. Young amphibians breathe from the water using gills. Most adult amphibians breathe air using their lungs as well as their skin. Oxygen is absorbed in their wet skin, which is why they always need access to water or a moist environment. What animals are amphibians? You might have seen or even touched a frog. This is now. Both these types of animals are amphibians, along with toads and newts. You may be less with other types of amphibians, such as axolotls and cecilia. There are actually more than 5,000 species of amphibians. Life as an amphibian can be different. These animals have characteristics that help them stay alive. Ectotherms are burrowing to the ground, breathing the heat. They bask in the sun, warm up if it is cool outside. Sometimes they enter a state known as brumation, which is similar to hibernation. It's a vent when their surrounding temperature is cold. Some amphibians have hibernators, which is strong, long legs for hunger, poisonous food, or
long legs. Oh, long feet, eight wedding seven eggs. It took 100 years. Amphibians are true incredibles, but they design their strings. It's made in features and offer a great deal of visual delight. Overall, they are wonderful examples. We, they, and angels are beautiful world indeed. तो ये देख लिया, ये जस्ट आइडिया देने के लिए था कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस। अभी एक और मूवी शॉर्ट ब्रेक पे आएगी। शॉर्ट ब्रेक के पहले आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना सबको? तो देखो, अब क्या अभी तक इन मेंढकों को, इन अभी रिया ने बोला कि यार कुछ भी हो जाए, हम तो फ्रॉग को भी मेंढक बोलेंगे, टोड को भी, भूखों को भी, सबको मेंढक ही बोलेंगे। तो सही बात है, हम तो जिंदे वाले जो हैं सबको मेंढक ही बोलते हैं। हाँ, तो हमने बात की कि ये जो मेंढक होते हैं, है ना, मेंढक होते हैं, इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए अपने घर वापस जाना पड़ता है, घर वापसी करनी पड़ती है, जो है कि बार बार पानी में जाना पड़ता था। ठीक, पानी में जाने के इनके पास दो कारण थे। एक तो इनके एग के ऊपर कोई शेल नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं था ऐसा जो कि उनको मॉइस्ट बनाए रख सके, प्लस प्रोटेक्शन भी दे सके ड्राई एनवायरनमेंट से। एक ऐसे दो, एक तो ये रीजन हो गया था। दूसरा कि उनके पास एक कोई कॉपुलेटिंग ऑर्गन नहीं था जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो अपना रिप्रोडक्शन का पॉपुलेशन वाला प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली करना है। इन दो कारणों की वजह से ये दोनों जो मेंढक होते थे वो क्या करते थे, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाते थे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते थे। तो अब जैसा कि क्या होता है कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो जब भी आते हैं इंडिया 2-3 महीनों बाद, तो क्या करते हैं, फटाफट मसाला भर के ले जाते हैं, स्पाइसेस, पापड़, अचार सब भर के लेके जाते हैं बैगों में कि भाई वहां नहीं मिलेगा वहां। और आदत तो पड़ी हुई है, मसाले की आदत पड़ी हुई है, अचार की आदत पड़ी हुई है, पापड़ की आदत पड़ी हुई है, तो सोचते वहां नहीं मिलेगा, मिलेगा तो महंगा मिलेगा, तो भर के ले जाते हैं। वैसा ही काम ये मेंढक भी करता था, पानी में जाता था, पानी में अपनी जरूरतों को पूरा करता था, फिर क्या करता था, वापस आ जाता था। तो वैसा कुछ मामला था। पर सपोज क्या हो कि ये पापड़, अचार और मसाले सारे फॉरेन में मिलने लगे, तो इनको घर आके ये सारी चीजें इकट्ठा ले जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। वैसा ही कुछ हुआ, कुछ ऐसे अडेप्टेशन आए रेप्टिलियंस में या इनके बाद के एनिमल्स में, जिनकी वजह से इनको पानी में जाने की जरूरत काफी कम होने लगी। बहुत रेयरली ये पानी में जाएंगे, तो इनका फर्टिलाइजेशन लैंड पे पॉसिबल हुआ। ठीक, पहला तो पॉपुलेटिव ऑर्गन्स आ गए पॉपुलेशन करने के लिए, दूसरा एमनियोटिक एग का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, अब रेप्टाइल से एमनियोटिक एग जो है आना शुरू हो गया। अब ये एमनियोटिक एग है क्या? एमनियोटिक एग क्या है कि ये कुछ इस तरह का एग होता है जिसमें ये एम्ब्रियो रहता है। एम्ब्रियो जो है यॉक शेप से कवर्ड होता है, मतलब एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है वो यॉक शेप में हो रहा होता है। अब ये यॉक शेप जो होता है वो स्टोर होता है फैटी फूड का। ठीक है, जितने भी फैट से रिलेटेड न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे इन यॉक शेप में मिलेंगे। इसके बाहर एक और कवर होती है जिसको हम बोलते हैं अल्बुमिन। ठीक है, ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है अल्बुमिन। ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह रखता है, इसके अलावा ये मॉइस्ट रखता है, उस एनवायरमेंट को मॉइस्ट रखता है जहाँ एम्ब्रियो है, वाटर सप्लाई मेंटेन रखता है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज भी होता है इनमें। इसके बाद एल्बुमिन के बाद एक एमनियन की लेयर होती है, ये थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एमनियन के बाद एक और पोर्शन आता है, वो क्या है, कोरियन, ये भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या करती है, एमनियन को कवर करती है। एकदम लास्ट में जो आता है वो आता है इसका सेल, सेल वाला पोर्शन जो कि कवर है। जनरली हम जब अंडा खाते हैं तो अंडा फोड़ते हैं तो वो कौन सा पोर्शन फोड़ते हैं,
डिस्टल वाला पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो पोर्शन ऐसा होता है कि वो पोरस होता है। पोरस होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, वो दोनों इस सेल के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। प्लस इस सेल के होने की वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो एम्ब्रियो है रेप्टाइल्स का, वो प्रोटेक्टेड रहता है ड्राई एनवायरनमेंट से। मतलब बाहर कितना भी सूखा पड़ जाए, ये अपना सेल के अंदर जो मॉइस्ट कंडीशन है उसको मेंटेन रखेंगे, वो नहीं सूखेगा, ठीक। इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ एक एयर सैक होता है, एयर सैक होता है, ये हैचिंग के टाइम पे भी काम आता है। इसके अलावा ये जो एमनियन है, ये ओवरऑल कुशन की तरह काम करती है। ये जो यॉर्कशेक है, एम्ब्रियो है, उसके लिए कुशन की तरह काम करती है कि आओ बैठो तुम, ठीक है। तो ये होता है एमनियोटिक एग, जो कि अब इन्वॉल्व हो गया है। अब जितने आएंगे उनमें एमनियोटिक एग आएगा। तो अब एक और छोटी मूवी के लिए रेडी हो जाओ। They don't go to water, they're shell-less, jelly-like eggs that dry out. Because of this hazard, they spend most of their time living in or near fresh water. That is, until a breakthrough in evolution changes egg, the amniotic. The amniotic egg is shell, waterproof, and can be laid on dry land. It is produced by the amniotes, a new group of animals named after their evolutionary age. The first amniote is a tetrapod, a four-legged animal, resembling a small lizard. While some amphibians can walk around on land and bury their eggs in wet soil or highly humid areas, nothing before the amniotes has the ability to lay its eggs on completely dry land. Because of this evolved egg, the amniotes are the first animals with the ability to live a fully terrestrial life. But despite their move inland, the amniotes have not abandoned their pond dwelling upward. In fact, the amniotic egg brings the pond with them by enclosing the aquatic environment within its shell. This is achieved by four main upgrades that are unique to amniotic eggs. Let's take a closer look. First development is the most obvious, the egg's protective shell. It's tough but flexible and has a leathery surface still seen in some reptile eggs today. The shell protects the eggs from predators, bacteria, damage, and drying out. But unlike the walls of fish tank, the shell of the amniotic egg is porous, allowing oxygen to pass through so that the growing amniote inside can be covered. The next two developments are two separate that work together to create lungs. They bring oxygen into the embryo while removing carbon dioxide. The first is the chorion, which is the protective layer that oxygen passes through after entering the shell and before. You may recognize the chorion as the thin, skinny, cool layer on a hardboiled egg. Think of this waterproof membrane as the in and outdoors is the entrance for oxygen and exit for carbon dioxide. The membrane working with the chorion is the anode. If the chorion is the doors and the entrance is essentially the lock of the door, it directs the oxygen and carbon dioxide while simultaneously storing unneeded waste from the membrane. The chorion and the entrance make sure the embryo has everything it needs to get rid of anything it doesn't. The last and perhaps the most important development is the amniote, the membrane for which the egg is made. The amnion is also contained within the chorion and holds the fluid in which the embryo flows. Because it has left the watery world of the amphibians, the amnion is necessary to prevent the embryo from drying out. It is the transportable pond that allows the embryo to lay the egg on dry land. Its fluid also protects the embryo from any collisions or rough landing, like a shock absorber on the butt or pond. Together, the shell and these four membranes create a safe, watery environment for the embryo to grow and develop. Through embryo function, continue the process of vertebrate evolution as it explores new land away from the wild. It will spend the next million years splitting into two distinct groups, the synapses and sauropsids. Synapsida is the group of animals that contain mammals, while sauropsid is the group that contains reptiles, birds, and dinosaurs. These two amniotic groups collectively contain the walruses, rattlesnakes, and parakeets we know today. Like a family reunion with relatives of every shape and size coming together from different corners of the earth, these animals can all call.
तो आपकी मूवी जो है वापस से खत्म हो चुकी है। तो देख लिया आप लोगों ने कि एमनियोटिक सेल्स के सेल्स किस तरह से पोरस होते हैं, उसके नीचे जो कोरियन होते हैं, एमनियन होते हैं, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज को तो अलाउ करते हैं पर बाहर के एनवायरमेंट से डाइनस वगैरह को इन्वॉल्व जो है अंदर नहीं आने देते, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है बना रहता है एम्ब्रियो के किनारे, और न्यूट्रिशन के लिए यॉर्क शेक तो है ही। तो मतलब अब इनके अंडे ऐसे हो गए हैं कि अब ये लैंड पे रह सकते हैं। पहले अंडे अंडे के ऊपर जो शेल है वो नहीं थी, शेल नहीं था, एमनियन नहीं था, तो अंडे को बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती थी। ऊपर से शेल नहीं था तो हर छोटा मोटा आने वाला जो एनिमल है वो उसको खा जाता था, समझ में आया। तो अब क्या कि अब शेल आ गया है तो छोटे मोटे जानवरों से उसका प्रोटेक्शन हो गया कि वो खा नहीं सकते हैं, उसको जल्दी तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, प्लस ड्राई एनवायरमेंट से भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को। तो ये कितनी अच्छी चीज है ना, कितना अच्छा एडाप्टेशन है जो एमनियोट्स के आने से हुआ कि अब उनको बार बार पानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस कितना सिंपल हो गया उनका। तो दो एडाप्टेशन हुए एमनियोट्स जो आए, अब इसके बाद जितने एम्फीबियंस के बाद आए वो एमनियोट्स आए। अब उन एमनियोट्स में क्या इवॉल्व हुआ, एग के बाहर शेल इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व हुआ क्या, स्किन जो है वो थोड़ी मोटी होने लगी, टफ होने लगी, थिक होने लगी। ताकि अभी क्या मैंने बताया कि वो जो मेंढक होते थे ना, मेंढक उनकी स्किन पतली सी होती थी, फटाफट फटाफट वाटर इवेपोरेट हो जाता था, लेकिन नहीं अब जो अगर बात करूं क्रोकोडाइल की, रफ टफ स्किन होती है, स्टबी स्टबी स्किन होती है ना, पानी जल्दी बाहर नहीं जा पाता है। तो यस यहाँ पे दूसरा एडेप्टेशन एक और हुआ है स्किन में ही हुआ है। तीन एडेप्टेशन हुए हैं बेसिकली, कॉपुलेटिव ऑर्गन आया है, एमनियोटिक एक्सेल आया है, और क्या आया है, और आया है टफ स्किन, टफ एंड थिक स्किन आई है जिससे पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब ये मॉइस्ट एनवायरमेंट लैंड पे ही, मॉइस्ट एनवायरमेंट को छोड़ के ये और कहाँ रह सकते हैं, ड्राई एनवायरमेंट पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एडाप्टेशन हुए। अब एमनियोट्स की बात करें तो क्या कि एमनियोट्स ही वो फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल सरफेस पे रहने की एबिलिटी गेन कर चुके थे। एक इनका एमनियोटिक एग जो होता है वो अंदर से लेदरी होता है, बाहर से एक ब्रिटल मतलब तोड़ा जा सकता है, इतना भी हार्ड शेल नहीं होता, बस हाँ शेल होता है, ठीक। एक कैल्शियम का बना शेल होता है जो ऑक्सीजन को परमिएट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को परमिएट कर सकता है, पास कर सकता है, और अब इन एग्स को मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं रही, अब वो रह लेंगे, पानी के बिना भी रह लेंगे, तो अब इनको पानी की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द, क्या ही करोगे, आंसर तो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। लिखा है फारिंजियल स्लिट्स, एमनियोटिक एग, पोस्ट एंड टेल, एंड नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक है ही है, पक्की पक्की है, लेकिन एमनियोटिक एग की बात करें तो सारे कॉर्डेट्स में नहीं है हमारे, देखो यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, सब कुछ बिना एमनियोटिक एग के रहे आए हैं, है ना। तो मतलब इसको हम ऐसा पक्का पक्का से नहीं बोल सकते कि एमनियोटिक एग कॉर्डेट का कैरेक्टर है, नहीं, एमनियोटिक एग कैरेक्टर है एम्फीबियंस के बाद आने वाले एनिमल्स का, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कुछ मैमल्स, ठीक। तो कुछ मैमल्स क्या, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। तो ये रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एमनियोटिक एग को हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक है स्लिट, फारिंजियल स्लिट्स, पोस्ट एंड टेल एंड नोटोकॉर्ड, ठीक। हाँ, आंसर स्लाइड में ये मुझे दिख गया था, बाद में मैं पूछने वाली थी फिर मैंने सोचा कि एक्सप्लेनेशन मेरे को ना एक्चुअली क्लास होने से पहले कट करके पिछले वाले स्लाइड पे पेस्ट करना होता है, आज मैंने स्लाइड एडिट नहीं की तो पेस्ट नहीं की, आंसर आपको दिख रहा है। चलो एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फाइव एनिमल्स लिस्टेड बिलो मैच द टू एट्रीब्यूट एमनियोटिक एग एंड एंडोथर्मी विद द करेक्ट एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स दे रखे हैं, फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, पीजन है, जेब्रा है, ठीक है। फिश जो है वो फिश फिशेस से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉग एम्फीबियन से, ये क्रोकोडाइल जो है रेप्टाइल से, ये
रीजन जो है एवी से और जेब्रा जो है मैमल से कर रहा है। अब तुम बताओ कि एमनियोटिक एग किन में पाए जाएंगे और इसके अलावा एंडोथर्मी किन में पाई जाएगी। एंडोथर्मी की बात बोले तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक। वार्म ब्लडेड बोले तो इनका टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहता है, बाहर एनवायरमेंट कुछ भी हो तो अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ये अपने मेटाबॉलिक एक्शंस को इतना इम्प्रूव करते हैं कि उनके अंदर थोड़ी बहुत गर्मी बन जाए। और हाँ, अपना टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ाते, टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, टेम्परेचर वही कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक। तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बना रहेगा। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है, तो है, चेंज नहीं होगा, ठीक। अगर चेंज होता है तो उसको फीवर का कंडीशन बोल देते हैं, समझ में। अगर नीचे जाता है टेम्परेचर तो हाइपोथर्मिया का कंडीशन बोल देते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीजें नहीं है, बीमारी में आती है। ये जो है एमनियोटिक एग जो होता है वो किसके किसके पास होता है, ये होगा क्रोकोडाइल्स में, पीजन में, जेब्रा में, जितने भी रेप्टाइल के बाद आएंगे उनमें एमनियोटिक एग आएगा, मतलब हुआ सी डी ई। और एंडोथर्मी मैंने बोला क्या, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड जो कि हम हैं, मतलब मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पीजन आ गया, तो बी ऑप्शन जो है जिसमें एंडोथर्मी जो है वो डी और ई के पास होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने नागों पे, ठीक है, नागिन नाग, ये नागिन नाग हमने सुना है, रेप्टिलियंस पे आ जाते हैं। रेप्टिलियंस जो है, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीपिंग, तो जो एनिमल्स क्रीपिंग कर रहे होते हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया, रेप्टाइल्स रख दिया, ऐसा 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 करके चलते रहते हैं, ठीक है। क्लास कब तक होगी, अभी कितना 7 ही बजे, अभी तक मर रहे हो यार, मरना शुरू कर दिया कि हाँ कब तक होगी, देख लो जल्दी हो सकता है खत्म हो जाए, 8 बजे तक मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। हम रेप्टाइल्स पे आ चुके हैं, इसके बाद बर्ड्स आएगा, बर्ड्स के बाद मैमल्स आएगा, बस खत्म, क्या ही है। तो मुझे लगता है 8:30 तक मैक्सिमम या 9 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद नहीं होगा। कल जैसा पोल वाला क्वेश्चन डाल दू, हाँ ठीक है डाल दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स हो गए जो क्रीप करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं। तो रेप्टाइल्स में क्या नया आया, रेप्टाइल्स में हमने देखा कि एमनियोटिक एग जो है वो नया आया, इसमें ये सारे आते हैं, टुआ तारा, स्क्वामेटा, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, स्टेगोसॉरस, ऑर्निथिन्स, मतलब ये सारे डायनासोर जो हैं, ये डायनासोर प्लस टर्टल्स प्लस स्क्वामेटा प्लस टुआ तारा, ये सारे जो हैं आते हैं हमारे रेप्टाइल्स में। अभी अगर करंट एग्जाम्पल देखें जो हम बहुत ज्यादा यूज टू हैं जिनसे, तो वो हो जाते हैं स्नैक्स, लिजर्ड्स, एलिगेटर्स या और क्रोकोडाइल्स, और होते हैं टर्टल्स या टर्टल बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे इनके कॉमन एग्जांपल होते हैं जिनसे हम यूजुअली ऐसा इन्फॉर्म्ड है कि हाँ ये भी होते हैं, ठीक। तो अगर कॉमन एग्जांपल है रेप्टाइल्स के तो ये सारे ही हैं। अब इनकी बात करें तो सबसे पहला बात आ जाता है कि ये हैं कोल्ड ब्लड, ठीक। क्या है कोल्ड ब्लड, मतलब बाहर ठंडी तो अपना टेम्परेचर भी उसी के बराबर कर लेंगे कि बॉडी हीट जो है उसमें डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो तभी होगा ना जब एक जगह ग्रेडियंट है ना। बाहर गर्मी ज्यादा है, हमारे अंदर गर्मी कम है, तो हीट ट्रांसफर हमारी बॉडी के अंदर होगा। हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है, कि जहां हीट ग्रेडियंट क्रिएट होता है वहां ट्रांसफर होता है। तो इनने क्या किया, बड़े चालाक से, तो इनने टेम्परेचर बराबर कर दिया, बाहर के एनवायरमेंट के बराबर कर दिया। अब इनको ठंडी लगेगी नहीं, बराबर है टेम्परेचर, कहाँ तुम ट्रांसफर करोगे हीट, ये चीज होती है। तो कोल्ड ब्लडेड है। बॉडी 3 पार्ट में होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल के पास कॉपुलेटिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब अब ये फर्टिलाइजेशन लैंड पे करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा, कौन रोकेगा इसको। और लेदरी एग जो है लैंड पे देना शुरू कर देते हैं, मतलब ये अपने एमनियोटिक एग को लैंड पे प्रॉपरली देते हैं। उसके बाद पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट है, हैचिंग वैचिंग करते हैं प्रॉपरली, तो पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट है। बड़े ऐसे रिस्पॉन्सिबल माँ बाप हैं, ऐसे ही छोड़ नहीं देते हैं। अभी तक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले क्या करते थे, जाओ यार जियो मरो मेरे को मतलब नहीं, बस तुम फर्टिलाइज होके एक दूसरे नए एनिमल में बदल जाओ। लेकिन अब पेरेंटल केयर भी इन्वॉल्व हो गया है, माँ बाप अपने बच्चों का क्या कर रहे हैं,
देखभाल कर रहे हैं, हैचिंग वैचिंग कर रहे हैं, पैदा होने दे रहे हैं उनको, ठीक। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, टफ स्किन आ गई है, टफ स्किन आ गई है, थिक मोटी चमड़ी आ गई है, ताकि पानी जो है वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो और वो ड्राई कंडीशन में रह सके। इसके अलावा केराटिन डिपोजिशन हो गई है स्किन पे, केराटिन की हैवी डिपोजिशन हो गई है, इसी वजह से जो थिकनेस आई है, जो टफनेस आई है, वो केराटिन की वजह से आई है। केराटिन समझते हो, हमारे नेल्स किससे बने, केराटिन से, हमारे हेयर किससे बने, केराटिन से बने। और ये कैसे हैं, ये थोड़े टफ से है ना, तो वैसे ही अगर ऐसे कंपाउंड का डिपोजिशन कहीं बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वहां पे टफनेस आएगी, थिकनेस आएगी। तो ये टफनेस और थिकनेस किसकी वजह से है, केराटिन तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से है, ठीक है। और इन्हीं से इनका प्रोटेक्टिव, इनमें प्रोटेक्टिव स्केल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं। अगर आपने सांपों को देखा होगा ध्यान से, प्रोटेक्टिव प्लेट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एडाप्टेशन होते हैं लैंड में रहने का, ठीक है। उनको अब लैंड में रहना है, उनने सोच लिया अब यहीं हम घर बसाएंगे, हमें यहीं की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए, हमको पानी में बार बार नहीं जाना है। तो ये एडाप्टेशन, जिनको पानी में बार बार नहीं जाना है, उनने ये एडाप्टेशन अपने वहां ले लिया है। इसके अलावा टेथ की बात करें, रेप्टाइल की टेथ की, तो थ्रू आउट उनके माउथ जो है टेथ उनकी फैली होती है। जैसे अगर हम क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स की बात करें तो एक ही तरह के दांत उनके पूरे जबड़े में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। फिर बात करें तो ऑब्वियसली लिम्स हैं, उनमें 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब बात है सांपों की, तो ये एक्सेप्शन है भैया, ये भी यहाँ पे बेचारे हो जाते हैं, उनके पास लिम्स नहीं होते हैं। एक हॉर्नी एपिडर्मल स्केल होते हैं, ये बात हो रही है एलिगेटर्स की, क्रोकोडाइल की, जिनके एपिडर्मल स्केल कांटेदार से हैं, ठीक। एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ है, जैसे हमारे बोन्स के बने हुए हैं। रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है। इनकम, अब देखो 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, 3 चैम्बर हार्ट है, किसी किसी में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट है, पर 4 चैम्बर हार्ट नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन एक है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर वाला हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया। जैसे पाइसेस में क्या, लंग फिशेस एक्सेप्शन थी, उनके पास लंग्स आ गए थे, वैसे ही इसके पास 4 चैम्बर हार्ट आ गया है रेप्टाइल्स में होते हुए भी। इसके अलावा अभी भी इनका आरबीसी की बात करें तो वो न्यूक्लिएटेड है, हमारे इन्यूक्लिएटेड है, लेकिन इनके अभी भी न्यूक्लिएटेड है। स्कल जो है इनकी मोनोकॉन्डिलेटिक स्कल है, और ब्रेन काफी डेवलप्ड है, ठीक है, ब्रेन काफी डेवलप्ड है। अब इनमें क्लासेस की बात कर लें तो रेप्टिलिया को सब क्लासेस, 4 सब क्लासेस में बांटा गया है। पहला है टेस्टोडाइन, दूसरा है स्क्वामेटा, जिससे हम बहुत यूजफुल है, स्क्वामेटा को रोज देख सकते हैं, वो है स्क्वामेटा, ठीक। स्फेरोडोन्चिया है और क्रोकोडिलिया है। क्रोकोडिलिया तो नाम से बता दोगे कि इसका एग्जांपल क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, ठीक है। तो ये कितना इजी होगा, टेस्टुएडाइन्स को टर्टल से याद रख लो, टॉर्टोइस से याद रख लो, कि टी टेस्टुएडाइन्स है तो इसमें टर्टल्स आएंगे, टॉर्टोइस आएंगे, ठीक है, सी टर्टल्स आएंगे। टेस्टुएडाइन्स हो गया टर्टल्स, टॉर्टोइस, सी टर्टल्स, मतलब टी 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 टी, ठीक। स्क्वामेटा जो हुआ, इसका एग्जांपल हो जाते हैं हमारे लिजर्ड्स, ठीक है, जो छिपकलियां हमारे घरों में होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की, गार्डन में होते हैं अलग अलग तरह के लिजर्ड, तो ये जिनसे हम डेली फेस टू फेस होते हैं, यूज टू है जिनसे। इसके अलावा स्नैक्स होते हैं, ठीक। और स्पिरोडोन्चिया में एक आता है टुआ तारा, जो कि लिविंग फॉसिल इसको बोलते हैं, टुआ तारा जो है वो लिविंग फॉसिल के कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आता है क्रोकोडिलिया, जिसमें क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, बड़े बड़े वाले रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, वो किसमें है, क्रोकोडाइलिया में, समझ गया। सीरियल वाले रेप्टाइल को मैमल में बदल देते हैं, हम भी बदलेंगे अभी, बस रेप्टाइल के बाद मैम नहीं, बर्ड्स आएगा फिर मैमल्स में आएंगे। सीरियल वाले तो चमगादड़ में भी बदल रहे हैं, है ना, तो उनको इवोल्यूशन पता चल गई है कि पहले नागिन बनेगी, फिर बैट चमगादड़ बनेगा, वो नागिन सीरियल आता है ना, उसमें चमगादड़ भी आते हैं, और क्या, उसके बाद फिर वो मैमल्स में बदलेगा।
उनको इवोल्यूशन पता है कि रेप्टाइल फिर बर्ड फिर मैमल। ठीक, अगर कुछ एग्जांपल बोले रेप्टाइल्स की तो सेयोमोरिया है, एक सेयोमोरिया है जो कि कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में। ट्राइटोनिक्स है जो कि हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर टेरापिन्स, ये खाए जाते हैं। ठीक है, खाए जाते हैं। फिर हेमिडेक्टाइलस है जो कि हमारा दीवारों पे ऐसा घूमता फिरता छिपकली दिखता है ना, और इनको देख के मम्मी लोग सब लोग ऐसा क्या कप जाते हैं, तो मेरी मम्मी बहुत डरती है छिपकली देख के, जैसे डायनासोर देख लिया। तो हेमिडेक्टाइलस, इसको बोलते हैं हेमिडेक्टाइलस। ड्रैको, ये फ्लाइंग लिजर्ड होती है, ड्रैको नाम से, ड्रैको तो फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ भी जाती है, इससे कितना डरेंगे लोग। फिर कैमलियन जो कि एबोरल लिजर्ड है, और ये वाइवोपेरस होता है, अंडे नहीं देते बच्चे देते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं गिरगिट। फिर उसके बाद नाजा, नाजा जो है वो क्या है, इंडियन कोबरा, नाजा नाजा बोलते हैं इनको, नाजा नाजा वाला गाना करके याद कर लेना। माय पाइथन जो कि लार्जेस्ट स्नेक है, ठीक है, और वाइपेरा वाइपर स्नेक है। तो ये इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो रेप्टाइल्स में आते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है वेनमस नॉन वेनमस स्नेक के आइडेंटिफिकेशन से लेके, तो आइडेंटिफिकेशन बता दें कि कैसा होता है आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ जो नॉन वेनमस होगी उसका स्नाउट, स्नाउट समझते हो, ये वाला पोर्शन स्नाउट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुथूर। ठीक, फुथूर वाला पोर्शन जो है उनका राउंड होता है, ठीक, राउंड होता है। ठीक, और यहाँ क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, क्या होगा, पॉइंटेड होगा। ठीक, अब अगर हेड वाले पोर्शन को टॉप व्यू से देखें तो यहां बनता है ट्राइंगल, क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, यहां बनता है ट्राइंगल। ठीक, जबकि यहां कुछ ऐसा सा ऐसा ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया वेनमस में, वेनमस में थोड़ा ऐसा कर्वी सा शेप होगा, स्पेरिकल कर्वी सा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर, जो नॉन वेनमस जहरीले नहीं होंगे उनका ट्रायंगुलर होगा, राउंड स्नॉट होगा, जो उनका आगे का मुंह है वो राउंड होगा, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड स्नॉट होंगे। समझ में आया, यहाँ पे ये जो हेड वाला पोर्शन है वो ट्रायंगुलर होगा नॉन वेनमस में, और यहाँ पे अच्छा सा शेप बनाता हुआ ब्रॉड हेड होगा। ठीक है, ब्रॉड हेड होगा, समझ में आ गई ये चीज। अब देखो एक और पहचान होती है, एक और पहचान होती है इनकी, यहाँ पे प्यूपिल जो होता है इनका वर्टिकल होता है इस तरह से, जबकि यहाँ पे इनकी आंखों की तरफ देखोगे तो पूरा पूरा राउंड प्यूपिल दिखाई देगा, जो इनकी लेंस है ना बीच में कंप्लीटली राउंड दिखाई देगी, अगर वो जहरीले नहीं है, अगर वो जहरीले हैं तो वो यहाँ पे प्यूपिल जो है वो ऐसी दिखाई देगी। ये समझ में आ गया। ठीक, इसके अलावा एक और डिफरेंस है एनल प्लेट्स का, अगर एनल प्लेट्स के नीचे का पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रॉड होता है, क्या होता है, ब्रॉड, चौड़े चौड़े प्लेट्स होते हैं, जबकि नॉन वेनमस में अगर हम देखेंगे तो एनल प्लेट के बाद के पोर्शन जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो होते हैं वो स्मॉल प्लेट्स में बटे हुए होते हैं। देखो ये प्लेट्स क्या है, स्मॉल स्मॉल है, ये क्या है, ब्रॉड है, तो वेनमस में ब्रॉड होते हैं और नॉन वेनमस में प्लेट जो होते हैं स्मॉल स्मॉल होते हैं। वही वापस से चीज दिखाई गई है कि यहाँ पे स्केल्स क्या है, लार्ज है, ब्रॉड है, काफी लार्ज है, ब्रॉड है। ठीक, यहाँ पे स्केल्स क्या है, छुटके छुटके से हैं, छुटके छुटके से ऐसे क्यूब बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और नॉन वेनमस में एक और स्टाइल होता है कि लार्ज है पर उतने लार्ज नहीं है जितने वेनमस में है, प्लस उनके किनारे एक छुटके छुटके और सारे प्लेट्स हैं। तो ये क्लियर डिफरेंस आ गया, देखना ही नहीं है ना, देख के भाग जाओ। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम सांप देख रहे हैं तो गिनने बैठ रहे हैं कि भाई मुंह कैसा है, पॉइंटेड है, ये है, वो है, देख के भाग जाओ किनारे क्या करना है।
पुपिल देखने के चक्कर में सांप काट लेगा। तो अब इनके ऊपर भी एक छोटी सी मूवी देख ही लेते हैं। पिक्चर खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है जून 2019 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल टेल एंड स्मॉल बेली स्केल। ठीक है, सिलेंड्रिकल टेल एंड स्मॉल बेली स्केल। एक मिनट, मैंने आपको टेल का बताया क्या? हाँ, तो बोला गया है सिलेंड्रिकल टेल एंड स्मॉल बेली स्केल्स। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल टेल ब्रॉड ट्रांसवर्स बेली स्केल्स एंड फोर्थ इंफ्राइबियल स्केल इज द लार्जेस्ट। फिर सी ऑप्शन है फ्लैट टेल ब्रॉड ट्रांसवर्स स्केल एंड थर्ड सुपर लैबियल स्केल टचेस आई एंड नोज। फोर्थ है सिलेंड्रिकल टेल ब्रॉड ट्रांसवर्स बेली स्केल एंड लॉरियल फिट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल। तो सिंपल सी चीज, आइडेंटिफिकेशन के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए यही जरूरी है कि टेल जो है सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए, और नॉन पॉइजनस होने के लिए सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। दूसरी, बेली स्केल जो है स्मॉल होनी चाहिए। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक का मामला खत्म। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपनी पंछियों पे, जिनके फोरलिम्ब जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं। किसमें? विंग्स में, अच्छे खासे विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। तो बर्ड्स को देखते हैं हम, एवीस मींस बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं ये चूंकि हमारे जो डायनासोर थे ना वो रेप्टाइल्स थे, तो डायनासोर में से ही कुछ लीनियजेस में कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जिनके पास पंख आ गए थे। एक पंख तो आ गए थे, लेकिन अब थे उनकी बॉडी इतनी हैवी थी कि वो उड़ तो पाते नहीं थे, बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाते थे, लेकिन समहाउ उन्होंने एक लीनियज स्टार्ट कर दिया कि उनका जो फोर लिम्ब है वो
अंकों में बदल चुका है। तो मतलब somehow वर्ड्स की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई थी। ये शुरू हुआ था मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में शुरू हुआ था। और जो हमें सबसे पुराना फॉसिल मिला है ऐसे डायनासोर का या ऐसे बर्ड का जो कि जिनके पास पंख था, तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स जो है सबसे पुराने फॉसिल मिले हैं जो कि हमें बर्ड्स का एविडेंसेस देते हैं कि बर्ड जो है डायनासोर लीनियस से शुरू हुए हैं। तो इनमें स्पेशल क्या क्या था जो हमें बताता है कि इनमें बर्ड जैसा कुछ था। पहला तो इनमें टीथ थी जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्टाइलियंस का है, लेकिन बर्ड्स में टीथ नहीं है। ठीक है, तो मॉडर्न बर्ड्स में टीथ नहीं है लेकिन रेप्टाइल्स में टीथ थी, तो वहां से इनका ये लीनियज आपको पता चलता है। फिर बॉडी में फीदर्स हैं, बॉडी किससे कवर्ड हो रही है, फीदर्स से कवर्ड हो रही है। और ये चीज जो है वो सिमिलर है किसके, हमारे अभी के जो तोता कबूतर मैना जो भी हैं उनसे मिलता जुलता है। ठीक, वेल डेवलप्ड विंग्स हैं जो कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद टेल भी है, क्लॉज हैं फिंगर्स में जो है वो क्लॉज भी हैं, और ये क्लॉज इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम जो आर्कियोप्टेरिक्स थे वो भी पेड़ पौधों पे चढ़ पाते होंगे। ठीक है, पेड़ की टहनियों पे चढ़ पाते होंगे और उन टहनियों को ग्रैब किससे करते होंगे, उन्हीं क्लॉज के थ्रू ग्रैब करते होंगे, या श्रब्स पे, छोटी झाड़ियों पे, ट्रीज पे तो नहीं बोल सकते, ट्रीज काफी ऊंची ऊंचाई के होते हैं, तो ये श्रब्स पे जाते होंगे, है ना, छोटे छोटे झाड़ियां जो होती है उन पे चढ़ पाते होंगे और उनकी टहनियों को अपने क्लॉज से पकड़ पाते होंगे। तो ये क्लॉज भी डेवलप कर चुके थे आर्कियोप्टेरिक्स जो है, वो क्लॉज भी डेवलप कर चुके थे जो कि अभी मॉडर्न डे बर्ड्स में मिलता है। उनके जो ये लिम के आगे जो डिजिटलिस होती हैं इनमें क्या होता है, क्लॉज होते हैं। तो ये सारे इनमें कॉमन फीचर्स हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। ये कुछ ऐसे इनके स्केलेटन जो फॉसिल्स मिले हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। आप इनमें देखो यहाँ पे ये जो फैलेंजेस हैं, इनके फैलेंजेस में क्या निकला हुआ है, क्लॉ निकला हुआ है, प्रॉपर विंग्स हैं, ये क्या है, विंग्स हैं इनके, ये प्रॉपर विंग्स हैं। इनकी हड्डियों को देख के हम बता पाते हैं कि इनके पास विंग्स होंगे। प्रॉपर एक लंबा टेल है जो कि वर्टिब्री से निकला हुआ है। ठीक, और यहाँ इनके हिंडलिम में भी क्या है, क्लॉज हैं। ठीक, अब एक जो है एक भी इनके पास जो है प्रेजेंट होते थे। अब ये सारी चीजें जो थी आर्कियोप्टेरिक्स का था। अब मॉडर्न बर्ड के बारे में हम देखते हैं कि मॉडर्न बर्ड जो है वो कैसे हैं। तो मॉडर्न बर्ड की बॉडी जो होती है हेड ट्रंक और टेल में, हेड नेक ट्रंक टेल में डिवाइडेड होती है। और जैसे हेड है, हेड और ट्रंक को कनेक्ट कौन करता है, नेक। और इसलिए ये जो नेक होता है इनका स्कल कुछ ऐसा होता है, स्कल और वर्टी जो इनका वर्टिब्रेट कॉलम होता है कुछ ऐसा फिक्स होता है, ये दिन भर अपना गर्दन ना ऐसा 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 घुमाते रहते हैं, समझ रहे हो, दिन भर ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको जरूरत पड़ती है, बार बार देखना पड़ता है कहीं आस पास कुछ खाने पीने जैसा तो कुछ नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा घूम तो नहीं रहा है जिसको खा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका स्कल बार बार ऐसा 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 अडाप्टेड होता, आदत होती है इनकी देखते रहने की आस पास कुछ है तो नहीं खाने को, तो इनका अडाप्टेशन हो गया। इनके गले गले में जो ये बोन्स हैं ऐसे फिक्स होते हैं कि ये सबको देख पाए इधर उधर। इसके अलावा बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट फीडर्स से जो है कवर होती है, जिनको हम प्लमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लमेज बोलते हैं, जार्गन से ये, अदरवाइज आप सॉफ्ट पंख बोल के काम चला सकते हो प्लमेज अगर नहीं याद हो रहा है तो। तो इनमें एग्जोस्केलेटन जो है, एग्जोस्केलेटन है वो सॉफ्ट फीडर्स है। ठीक है, पंख, मुलायम पंख, मखमली पंख जो है इनके एग्जोस्केलेटन है। और जो स्केल है वो प्रेजेंट नहीं है, स्केल के यहाँ प्रेजेंट थी, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट थी, स्केल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। स्किन ड्राई है और विदाउट ग्लैंड्स है, स्किन में कोई ग्लैंड नहीं है, स्किन ड्राई है। प्लस ये है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो होता है मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। अब ये यूरिक एसिड जो होता है ना, इसको एक्सक्रीट होने के लिए वाटर की नीड नहीं होती है, ये ज्यादा वाटर नहीं लेते हैं एक्सक्रीट होने के लिए, कम से कम पानी में एक्सक्रीट होते हैं। इसीलिए आपने लोगों ने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है वो हमेशा पॉटी करती है, कभी सूसू नहीं करती है। कभी किसी ने चिड़िया को सूसू करते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, मतलब
चिड़िया जो है पॉटी करती है, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर की कम नीड होती है, बहुत कम नीड होती है, और वो कम नीड किसकी वजह से पड़ती है? यूरिक एसिड की वजह से पड़ती है। तो ये हमेशा यूरिकोटेलिक होते हैं, प्लस इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, मोनोऑकुलर। एक बार में चीजें देखते हैं लेकिन बहुत गजब तरीके से देखते हैं, मोनोऑकुलर विजन होता है इनका, और आंखों पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आंखों पे। इसके अलावा दो पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, ऑब्वियसली जो फोर लिम्ब होता है वो विंग्स में बदल जाता है, ठीक। जो हिंड लिम्ब होता है उसमें क्या बोला था मैंने, तो उनके फैरेंजियस में क्लॉ, ठीक, क्लॉड निकला हुआ है, तो ये हो गया। फिर लेग जो है इनकी स्केली होती है, बॉडी स्केली नहीं होती। अगर कोई बोले बर्ड्स पे स्केल प्रेजेंट होते हैं, नहीं, बर्ड पे स्केल नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो लेग होता है, ठीक, इनका हाइंड लेग जो होता है पीछे वाला, वो स्केली होता है, जो कि एक इंडिकेशन है कि इनके एंसेस्टर जो है वो रेप्टिलियंस रहे होंगे। तो ये इंडिकेशन है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री का, लेग स्केली होना जो है इंडिकेशन है। बेटा वो बिग एंड स्मॉल स्केल वाली स्लाइड आपको जब मिलेगी आप एक बार पलट के देख लेना, ठीक। तो हाँ, लेग जो है स्केली होती है, जो कि इंडिकेशन है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री का, मतलब कि इनके पूर्वज जो हैं कहीं ना कहीं रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए इनमें अपनी कुछ ना कुछ आदत छोड़ के गए हैं, ठीक। उसके बाद एंडोस्केल्टन की बात की जाए तो बोन्स होते हैं, लेकिन बोन्स जो होते हैं हॉलो होते हैं, उनमें एयर भरा होता है, और एयर भरे रहने की वजह से उन बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक। न्यूमेटिक वर्ड का मतलब होता है, न्यूमेटिक वर्ड का मतलब होता है हवा, ठीक है। हवा भरी रहती है उनके बोन्स में, हवा भरी होती है, खोखली हड्डियां होती हैं। खोखली हड्डियां कैसे अडॉप्ट होती हैं? हमने बोला कि हमारे जो डायनासोर्स थे उनके पास पंख होते, वो उड़ नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाते थे, बॉडी हैवी हो जाती थी। बॉडी का यहाँ पे क्या करना जरूरी है? लाइट वेट होना जरूरी है। बॉडी लाइट वेट हो उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपना वेट कहाँ से कट डाउन किया? बोन्स से कट डाउन किया। बोन्स कैसी रखी? न्यूमेटिक बोन्स रखी, जो कि हल्की होती हैं और इनको उड़ने में हेल्प करती हैं। अब जो रिब्स हैं, रिब्स वहां प्रेजेंट नहीं होती हैं रेप्टाइल्स में, लेकिन यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है, प्रॉपर रिब्स, सॉरी एम्फीबियंस में, पर यहाँ पे रिब्स प्रॉपरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाइफिड रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो सॉफ्ट विदर, मैंने बोला कि पंखे जो है, पंख वही एक्सोस्केलेटन है, सॉफ्ट पंख जो है वो है। फिर उसके बाद यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल चिड़िया अलग, फीमेल चिड़िया अलग, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, ठीक। और इंटरनल होने के बाद हमको मालूम है मैक्सिमम चिड़िया क्या देती है? अंडे देती हैं। तो क्या हुआ? ओविपेरस हो गया। सारी की सारी चिड़िया जो हम कॉमनली देखते हैं सबके सब अंडे देती है, है ना। तो क्या हुआ? ओविपेरस हो गए, सारे के सारे ओविपेरस हो गए। विविपेरस मतलब बच्चा दे, ओविपेरस मतलब अंडा दे, ठीक। तो बर्ड्स क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। तो ये इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है। बकल कैविटी हमने देख लिया था, एम्फीबियंस में इंट्रोड्यूस हो गई थी, यहाँ पे नेक वाले रीजन में यहाँ भी है। टीथ की जगह यहाँ पे क्या होती हैं? चोचें होती हैं, बीक होता है, ठीक। उसके बाद होता है ब्रेन, प्रॉपर ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है। बार बार 10 बार देखने की जरूरत नहीं है, क्या है, बस इतना याद रखो ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड है, ट्रैकिया है, ठीक, ओसोफेगस है, स्टोमक है, हार्ट है, लीवर है, बाइल डक्ट है, पैनक्रियाज है, लीवर है, सब कुछ है, सब कुछ है, किडनी भी है, लंग्स भी है। लेकिन एक नया चीज यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉप। क्रॉप जो होता है इनके ओसोफेगस से जस्ट सटा हुआ एक स्टोरेज टैंक है, समझ लो कि वो स्टोरेज टैंक है। कैसा स्टोरेज टैंक? मस्कुलर टैंक है, ठीक है। मसल्स का ओरिजिन है उसका, मस्कुलर टैंक है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसके ओसोफेगस के पास पाया जाता है। क्या काम करता है? फूड स्टोर करने के लिए, टेम्पररी फूड स्टोर करके रखता है, ठीक। सारे पक्षियों में नहीं होता है, कुछ कुछ पक्षियों में ये नहीं भी पाया जाता है, पर अगर कभी आपसे पूछा जाए कि क्रॉप का क्या काम होता है बर्ड्स में, तो आपको याद होना चाहिए कि ये टेम्पररी क्या करता है? फूड स्टोर करता है। अब इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया, तो मैंने बोला था कि इनके पास लंग्स होते हैं,
प्रॉपर लंग्स होते हैं, तो ये प्रॉपर लंग्स ये हो गए डार्क ब्लू कलर से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये लंग्स जो हैं बीच में कनेक्टेड है कुछ अलग बैग लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, जैसे ये है, ठीक है। तो जो आगे होता है गले के पास, जो गले के पास होता है उसको हम बोलते हैं आगे की तरफ है, गले के पास है, तो बोलते हैं एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक। क्या बोलते हैं? एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, जो कि ये वाला है। क्या है? एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, ठीक है। मतलब ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हवा भरती है बाद में, हवा हवा इनके लिए बहुत जरूरी है अंदर भर के रखना ताकि ये उड़ उड़ पाए। तो ये एयर सैक जो होते हैं फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं और प्लस गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद बीच में जो होता है, बीच में जो होता है उसको बोलते हैं, जो थोरैसिक के बाद है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक। मतलब थोरैसिक के बाद जो एयर सैक है उसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर, मतलब थोरैसिक के बाद एयर सैक। और लास्ट में जो है एब्डोमिनल एरिया के पास, उस बैग को हम बोलते हैं एब्डोमिनल एयर सैक। तो तीन एयर सैक है, कौन सा? पहला है एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, दूसरा है पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक और तीसरा है एब्डोमिनल एयर सैक। और ये तीन पेयर में है, दोनों तरफ है, दोनों लंग्स से जुड़े हुए हैं। तो इनमें एयर सैक होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है प्लस उड़ने में भी मदद करता है। लंग्स होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे इनके ट्रैकिया से होते हुए गर्दन थोरेक्स वाले एरिया के पास जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह से उसको बोलते हैं हम सिरिंग्स, ठीक है। ये सिरिंग्स जो होता है यही इनमें आवाज प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं सिरिंग्स, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है ये सिरिंग्स का होता है, ठीक। तो ये अब आपने देख लिया कि कैसा होता है। अब इनमें एयर आता कैसे है, जाता कैसे है? हमने देखा कि ये लंग जो होता है किसी ना किसी तरह से इसे अटैच होता है एयर सैक से। ये ब्लू वाला क्या है? एयर सैक है। और ये लंग क्या है? पिंक वाला है। अब देखो इनका लंग कभी खाली नहीं होता, कभी भी खाली नहीं होता। हमारा क्या होता है? पिचकता फूलता है कभी, ठीक। जब हम सांस लेते हैं भर जाता है, सांस छोड़ते हैं पिचक जाता है, ठीक। लेकिन इनका कभी पिचकता नहीं, क्यों? क्योंकि इधर से ऑक्सीजन गया तो फूला हुआ है, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो वो भी तब भी फूला हुआ है। तो दोनों ही कंडीशन में लंग्स फूले होंगे, अभी दिखेगा आपको कैसे, ठीक है। स्पॉन्जी लंग्स होते हैं, सबसे पहले जो एयर होता है इनहेल होता है ऑक्सीजन के साथ, फिर ये आके कहाँ भरता है? पोस्टीरियर एयर सैक्स में आके भरता है, जो पीछे एयर बैग होते हैं उनमें आके भरता है। फिर ये पीछे वाले एयर बैग जो है किसको पास करते हैं? लंग्स को पास करते हैं, ठीक। तो ये एयर सैक का यही काम होता है, कैसे? पहले एयर लेना, पोस्टीरियर वाले में भरना, फिर पोस्टीरियर वाला जो है वो ऑक्सीजन वाले एयर को किस में डालेगा? लंग्स में डालेगा। फिर लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा वो फिर वापस जाएगा एंटीरियर एयर सैक में। तो इस तरह से जो है इनका लंग जो है हमेशा भरा रहता है पहली बार, और इस तरह से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। ये देखो ये पीछे एक एयर सैक है और एक आगे एयर सैक है। ये एयर सैक फूल और पिचक रहे हैं लेकिन लंग का वो साइज बना हुआ है, ठीक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बर्ड्स के पास चार चैम्बर हार्ट होते हैं सारे बर्ड्स के पास फोर चैम्बर हार्ट होते हैं। इससे पहले रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट फोर चैम्बर या थ्री चैम्बर हार्ट होते थे, क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर होते थे, लेकिन बर्ड्स में पूरे के पूरे चार चैम्बर मौजूद हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी मौजूद है और आरबीसी अभी भी इनकी न्यूक्लिएटेड है, इन्यूक्लिएटेड नहीं हुई है। अब बर्ड्स के बारे में थोड़ा देख लो, almost all birds have four wings, modified. Not all birds can fly. There are a couple of things. Next, they are twin bill swimmers. Twin bill swimmers are always used to not. And the lower and upper jaw are modified to be twin bill. Their hearts are four. They walk on the same day. Birds have the lungs and they digest it. You'd like to know more about birds? Oh, anyway, I need to talk about that. तो ये हो गया बर्ड, ठीक। इसे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जितना बर्ड्स हैं जितना रेप्टाइल्स हैं उतना सफिशियंट है। रेप्टाइल में मैंने आपको क्लास बता दिया, बर्ड्स में नहीं बता दी, ठीक। तो जितना है उतना सफिशियंट है, बस ओवरव्यू रखो कि कौन कौन से सिस्टम कैसे कैसे पाए जाते हैं। मोस्टली सारे वेल डेवलप पाए जाएंगे बर्ड्स में भी, ठीक है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद आता है मैमल्स। मैमल्स जो है ये लैटिन वर्ड मामा से बना हुआ है, लैटिन वर्ड मामा से बना हुआ है। मामा का मतलब होता है ब्रेस्ट, ठीक, या ब्रेस्ट बोले तो मैमरी ग्लैंड, ठीक। तो जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन एनिमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते थे उनको हमने क्या बोल दिया, मैमल्स बोल दिया। क्या बोले, मैमल्स बोल दिया, ठीक। तो मैमल्स का कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैमल्स अपियर हुए हैं वो मेसोजोइक एरा में अपीयर हुए हैं, ठीक है, मेसोजोइक एरा में अपीयर हुए हैं। और किससे किससे शुरू हुए हैं, रेप्टाइल के पैरेलली, रेप्टाइल से ही शुरू हुए हैं, ठीक है, बर्ड से नहीं शुरू हुए। रेप्टाइल के साथ ही जैसे बर्ड बन रहे हैं वैसे ही पैरेलली ये क्या बन रहे हैं, मैमल्स भी बनना शुरू हुए हैं, ठीक। स्मॉल मैमल्स जो हैं वो डायनासोर और रेप्टाइल्स के टाइम पे थे, डायनासोर भी क्या है, रेप्टाइल्स थे। तो कुछ मैमल्स, स्मॉल स्मॉल मैमल्स जो थे जैसे श्रूज है ना, श्रूज भी प्रेजेंट होते थे। तो ये इनका डेवलपमेंट, श्रूज क्या है, स्मॉलेस्ट मैमल्स है, तो इनका डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गया था रेप्टाइल एंड डायनासोर के टाइम पे ही पैरेलली शुरू हो गया था। जब डायनासोर मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तब अचानक से मैमल्स क्या हुए, बढ़ने शुरू हो गए, नंबर में बढ़ने शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, ये डायनासोर जो थे वो कार्निवोरस थे, तो ये मैक्सिमम जो छोटे छोटे स्मॉल मैमल्स थे उनको खा जाया करते थे, ठीक। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवरटेक नहीं कर पाती थी। डायनासोर जो थे वो मोस्ट पॉपुलेटेड एनिमल्स थे उस टाइम पे। तो क्यों, क्योंकि वो बाकी छोटे छोटे जानवरों को टिकने नहीं देते थे, खा पी के खत्म कर देते थे। तो अभी क्या, जब डायनासोर डिसअपीयर हो गए उसके बाद मैमल्स क्या, उन्होंने ओवरटेक कर लिया। अब देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको आसपास अपने मैमल्स ही दिखेंगे। मैमल्स में भी हम प्राइमेट्स, ठीक है, हम प्राइमेट्स सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको।
ह्यूमन होमोनिड जिनको बोलते हैं, सबसे ज्यादा हम ही तो हैं धरती पे, तो हम कैसे इतने ज्यादा हुए जब डायनासोर डिसअपीयर हुए? ठीक, उससे पहले हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा नहीं थी, क्यों नहीं थी, हाथी के खत्म हो जाते थे, तो हम मैमल्स में ऐसी क्या बात है? तो अगर हम बात करें तो मैमल छोटे छोटे शूज से होके बड़े बड़े ब्लू वेल तक जाती है, ब्लू वेल तक जाती है, ब्लू वेल जो है लार्जेस्ट मैमल है। ठीक, तो इनमें साइज रेंज भी काफी ज्यादा पाया जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सीधे बड़े बड़े एनिमल्स आ गए। भाई पहले शुरू शुरू में जब रेप्टाइल के साथ इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ होगा तो टीनी श्रूज से शुरू हुआ होगा, है ना, उसके बाद बड़े वाले जानवर आए। फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर जॉ में जो कुछ बोन्स थी ना, लोअर जॉ में कुछ बोन्स थी, जैसे वहां पे जॉलेस फेसेस में गिल आर्क्स होते थे। ठीक, गिल आर्क्स किस में कन्वर्ट हो गए, जॉ में कन्वर्ट हो गए। अब जॉ की कुछ बोन्स जो है दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है मैमल्स में, क्या बनाती है, जॉ की कुछ बोन्स, सिंगल बोन जॉ रह जाता है, इनमें सिंगल बोन जॉ रह जाता है और बाकी जो बोन्स जॉ में इन्वॉल्व होती थी वो अब बनाती है मिडल ईयर, उसके अलावा लोअर जॉ बनाती है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। इसके अलावा नंबर ऑफ बोन्स भी कम हो गए थे कंपेरेटिवली जो छोटे एनिमल्स में पाए जाते थे। टीथ बने अलग अलग टाइप के, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, ठीक, इस तरह से काफी सारे टीथ बने अलग। अब जैसे रेप्टाइल्स में मोस्टली सारे दांत जो है सिमिलर होते थे, लेकिन हमारे में क्या है, दांतों का एक पर्टिकुलर नंबर है, टाइप है, अरेंजमेंट है, जिनको मोलर, प्री मोलर, इंसीजर ये सब बोलते हैं, वो सारे दांत हमारे पास हैं, अलग अलग तरह के, तीन चार तरह के दांत प्रेजेंट है। तो ये दांतों में भी नई चीज आई। फिर उसके बाद मैमेलियन फीचर आए जिनमें क्या, पसीने वाले ग्लैंड आए, ठीक, स्वेट ग्लैंड डेवलप हुए, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हुए, हमारे बाल डेवलप हुए, फोर चैम्बर हार्ट डेवलप हुआ, वो तो एवीज के टाइम पे ही डेवलप हो गया था। तो पैरेलली जब एवीज में हार्ट फोर चैम्बर डेवलप हो रहा था, वैसे ही हमारे में भी फोर चैम्बर हार्ट जो है वो डेवलप हो रहा था। तो इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे मैमल्स के, वो सारे हम जानते ही जानते हैं, क्योंकि हम बहुत यूज टू हैं, हम खुद मैमल हैं तो हम यूज टू हैं। सबसे मेन कैरेक्टर मैमल होने का, सबसे मेन, मेमोरी ग्लैंड होने चाहिए, ठीक है। और ये मेमोरी ग्लैंड से क्या काम आता है मैमल्स के लिए, वो अपने नए बच्चे को, जो यंग बच्चा आता है, छोटा छोटा सा बेबी आता है, उसको न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, वो पिलाते हैं। ठीक, तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड आ गए, ठीक, ताकि बेटर न्यूट्रिशन हो सके, बेबीज में बेटर न्यूट्रिशन होगा तो ही तो वो स्ट्रांग मैमल्स बनेंगे। ठीक, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग होने लगे। जो एग फर्टिलाइज होता था वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता था, पॉपुलेटिव ऑर्गन्स थे दोनों के पास, थे फीमेल में भी मेल में भी, तो पॉपुलेशन होता था प्रॉपर, और फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता था और एम्ब्रियो एम्ब्रियो बनता था, यूटेरस नाम का एक स्ट्रक्चर आ गया था जिसके अंदर बेबी क्या करता था, बढ़ता था, ग्रोथ करता था, ठीक, करता था क्या, ग्रोथ करता है, ठीक, प्लेसेंटा से नरिशमेंट पाता है एम्ब्रियो, प्लेसेंटा से यूटेरस पे कनेक्ट रहता है और उससे नरिशमेंट लेता है। तो कितनी एडवांसमेंट आ गई है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कितने इवॉल्व तरीके से हो रहा है, हेयर्स आ गए हैं बॉडी पे बहुत सारे हैं, ऐसे स्पीशीज है जैसे बियर हो गया है ना, हमारा पोलर बियर हो गया, पांडा हो गया, के पास कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत सारा क्वांटिटी में क्या होता है, बाल होता है, हेयर होता है, लेकिन हम में, ह्यूमंस में, डॉल्फिन्स में, वेल्स में क्या हो गया है, ये हेयर खत्म हो गया है, मतलब बहुत कम रह गया है, कुछ एरिया में ही हेयर्स रह गए हैं, वो जो बोलते हैं ना कि लग्जरियस हेयर, बहुत काफी रिच, कुछ कुत्तों में होता है जैसे पोमेरियन डॉग्स हैं, सिट्ज़ू हैं, उनमें कितना ऐसा घना घना सा बाल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बाल होता है। तो जो मोस्टली ऐसा होता है कि जो ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें खूब लग्जरियस हेयर होते हैं, खूब बड़े बड़े घने घने हेयर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं वहां के एनवायरमेंट से। ठीक, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा वेल्स और डॉल्फिन्स में फैट की थिक लेयर्स होती है, ठीक है, फैट की थिक लेयर्स होती है, जिन ब्राउन ब्राउन फैट बोलते हैं ना उनको, ब्राउन सेल्स बोलते हैं, उनमें फैट एक्युमुलेट होता है, वो ये इनका हीट रिटेंशन मैकेनिज्म है, समझ में आया।
तो ये कुछ एडेप्टेशन है। फिर मैंने बोला कि जॉ जो है वो मिडिल एयर में कन्वर्ट हुए, तो जॉ की कौन कौन सी हड्डियां किस पोर्शन में कन्वर्ट हुई। हमारे कानों में तीन हड्डियां मेनली बोलते हैं कि तीन हड्डियां हैं, स्टैपिस, इनकस और मेलस। ये तीनों जॉ लाइन की तीन हड्डियों से, जॉ की तीन हड्डियों से बने हैं। जो स्टैपिस बना है वो हाइमोएंडिबुलर बोन का मॉडिफाइड वर्जन है। ऐसे ही क्वाड्रेट मॉडिफाई होके इनकस बना, और आर्टिकुलर इन जो है वो किस में बदला, मेलस में। तो आप इसको याद रख सकते हो SH, IQ और M में, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि स्टेपस हेमनोमैंडुबुलर, इंकस क्वाड्रेट, मेलस आर्टिकुलर, ठीक। उस तरह से आपको ये चीज याद हो जाएगी कि कौन सी तीन हड्डियां, कौन से तीन जॉ के हड्डियां थी जिन्होंने ईयर बना दिया, ठीक। अब मैमल्स में दो क्लास है, प्रोटोथीरिया और थीरिया, दो सब क्लास है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। और प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा, और थीरिया में दो ऑर्डर है मार्सुपीलिया और यूथेरिया। मोनोट्रिमेटा की बात करें तो यहाँ प्लैटिपस आ जाता है इसका एग्जांपल, प्लैटिपस। अब इनके स्ट्रक्चर में देखें, जो प्रोटोथीरिया या मोनोट्रिमेटा में रखे गए हैं ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, बीवी पैरस नहीं है, अंडे देते हैं, ठीक। तो हम मैमल्स को भी कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते हैं कि मैमल्स जो है वो क्या है, बीवी पैरस है, ऐसा कम्प्लीटली नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख रहे हैं प्लैटिपस का, जो कि क्या देता है, अंडे देता है। प्लेसेंटा नहीं है इसके पास, प्लेसेंटा नहीं है, यूटेरस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको अंडे देने की मजबूरी है, ठीक। लेग्स हैं इसके पास, मिल्क सप्लाई कर सकता है अपने यंग बंस को, और इसीलिए इनको क्या, मैमल्स में रख दिया गया है। भले ही अंडे देते हैं पर अपने बच्चों को मिल्क पिला पाते हैं, ठीक है। निपल्स नहीं है इनके, मैमरी ग्लैंड में निपल्स नहीं है, सिंपली मिल्क ना बाहर आ जाता है, ठीक। इनके मैमरी ग्लैंड से सिंपली मिल्क बाहर बहता रहता है, निपल्स नहीं है शक करने के लिए। जबकि मैमल्स, जनरली मैमल्स में क्या होते हैं, निपल्स होते हैं जिनके थ्रू बेबी क्या करता है, मिल्क को सक करता है। इसके बाद मार्सुपीलिया, तो मार्सुपीलिया से आप याद रख लो मार्सुपियन। ये मार्सुपियन जो होता है एक ऑर्गन होता है, जनरली कंगारू में पाया जाता है, जिसके अंदर वो अपने बच्चे को रखते हैं। सिंपली मार्सुपियन याद कर लो कि कंगारू उसमें बच्चे रखते हैं, और इसीलिए इनको ऑर्डर किसमें रखा गया है, मार्सुपीलिया में रखा गया है। फीमेल हैव अ वेंट्रल पाउच इन विच दे कैरी एंड फीड देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक। तो ये जो है मार्सुपियन जो है वो अपने बच्चों को एक बैग में रखती है, पाउच होता है, तो कंगारू इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब आ गया यूथीरिया, यूथीरिया जिसमें मोस्टली मैमल जिनसे हम डेली फेस टू फेस होते हैं वो सारे यूथीरिया से बिलोंग करते हैं। इनमें प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा होता है, बच्चे यूटरस में ग्रो होते हैं, ठीक। इनमें कुछ रोडेंट्स आएंगे, ठीक है, रोडेंट जिनमें चूहे चूहे आते हैं, फिर बैट आएगा, प्राइमेट्स आएंगे, प्राइमेट जो कि हम हैं, और फिर मोल्स एंड श्रूज जो होंगे वो भी इनमें आएंगे, छुचुंदर वगैरह जो होते हैं, चूहे, रैबिट्स, ये सारे किसमें आएंगे, यूथीरिया में आएंगे। बैट्स भी किसमें आएंगे, यूथीरिया में आएंगे, ठीक। ये सारी चीजें जो हैं हो गई आपकी मैमल की, क्या क्या है, प्रोटोथीरिया और थीरिया, दो सब क्लासेस हैं मैमल्स में, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया में मोनोट्रिमेटा है जिसका एग्जाम्पल है प्लैटिपस, ठीक। इनके पास प्लेसेंटा नहीं होता, अंडे देते हैं, ठीक, लेकिन निप्पल होता है, मतलब निपल नहीं होता है, मेमोरी ग्लैंड होती है जिसे वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में निपल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटोथीरिया मोनोट्रिमेटा प्लैटिपस का केस हुआ। थीरिया में बोले तो मार्सुपीलिया और यूथीरिया है, मार्सुपीलिया बोले तो कंगारू आता है इसमें, कंगारू मतलब जो अपने बच्चे को एक मार्सुपियम करके एक बैग होता है उसमें रखता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, जो भी करता है, जो भी उनको पालता पोसता है, तो मार्सुपियम के अंदर पलने वाले मार्सुपीलिया, और इसका एग्जांपल हो गया कंगारू। इसके बाद यूथीरिया जिसमें हम डेली टू डेली जितने प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सारे हैं, चाहे वो चूहा हो, खरगोश हो, ठीक, बैट्स हो, छछूंदर हो, मोल्स जिनको हम बोलते हैं मोल्स एंड शूज,
ठीक, तो ये सारी चीजें यूथीरिया में आ जाएंगी, हम खुद भी यूथीरिया हैं, ठीक, ऑर्डर यूथीरिया में आएंगे। अब हम शुरू करते हैं प्राइमेट्स, ठीक। तो प्राइमेट्स भी फर्दर डिवाइड हुए, किसमें डिवाइड हुए, तो देखो प्राइमेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक प्रोसीमियंस होता है, दूसरा एंथ्रोपॉइड्स होते हैं। प्रोसीमियंस में हमारे आ जाते हैं लेमर्स आते हैं, लॉरिसिस एंड गैलगोस पोटोस, ये सारे किसमें आ जाते हैं, ये आते हैं प्रोसीमियंस, जो अर्ली अर्ली प्राइमेट्स हैं उनमें लेमर्स पोटोस लॉरिसिस, इनको हम प्रोसीमियंस में रखते हैं। उसके बाद जो मंकीज टाइप के दिखने वाले आए ना, उनको एंथ्रोपॉइड्स में रखते हैं, जितने भी बंदरों की तरह दिखते हैं उनको हम एंथ्रोपॉइड्स में रखते हैं। इसमें आते हैं टार्सियस, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, गिब्बन, ओरंगुटान और फिर अफ्रीकन एपीज, ठीक। तो हम देखते हैं कि गोरिल्ला है या फिर ओरंगुटान है, गिब्बन है, ये हमसे कितनी सिमिलैरिटी रखते हैं, हमारी नकल भी कर पाते हैं, ठीक है, हमारी तरह दो पैरों पे चल फिर पाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जैसे करते हैं, तो ये हमसे बहुत क्लोज है। उसके पहले ओल्ड वर्ल्ड मंकी आएगा और उसके भी पहले न्यू वर्ल्ड मंकी आएंगे। तो ये हो गया हमारा एंथ्रोपॉइड्स एंड प्रोसीमियंस, ठीक। ये वही है जिसमें आपको बताया गया कि लैमर्स एंड लॉरिसेस जो हैं और ट्रासियस, ये प्रोसीमियंस में आते हैं। फिर मंकीज में कौन आता है, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी मंकीज के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और जितने एपीज वगैरह हैं, जितने ह्यूमंस हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, एपीज की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ये जो है प्रोसीमियन और एंथ्रोपॉइड्स, ठीक। तो प्रोसीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स, प्रोसीमियंस में लैमर्स, टार्सस, ठीक, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद एंथ्रोपॉइड दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला मंकी, दूसरा एपीज। मंकीज में आप याद कर लो न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक। एपीज में याद कर लो कि आपके ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमंस आएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं होमोनिड्स, मतलब हम ह्यूमन, इनमें क्या स्पेशल है। तो जो अर्लीस्ट प्रोटो होमोनिड्स थे, प्रोटो होमोनिड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होमोनिड हैं लेकिन अर्लियर हैं, उनको बोलते हैं आर्डिपिथीशियंस, क्या बोलते हैं, आर्डिपिथीशियंस बोलते हैं। और ये लगभग एपी लीनियस से, होमोनिड जो हैं एपी से सेपरेट हुए थे लगभग 6 मिलियन ईयर्स एगो इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में सोचा गया है कि सबसे पहले एपी लीनियस से सेपरेट होके ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है। और प्रोटो होमिनिड्स की बात करें तो प्रोटो होमिनिड्स है आर्डिपिथेसिन्स, ठीक। अब इनमें क्या नई बात थी, इनमें नई बात थी कि ये दो पैरों पे चल फिर पाते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन कर पाते हैं। बाइपेडल लोकोमोशन का फायदा क्या होता है, अभी दिखाऊंगी कि वॉक करते टाइम इनको एयर रेजिस्टेंस मिनिमम फेस करना पड़ता है अगर वो दो पैरों पे चल रहे होते हैं। मिनिमम एयर रेजिस्टेंस होता है तो कम एनर्जी खर्च होती है, अगर हम चार पैरों पे चल रहे होते तो हमारी बॉडी ज्यादा एटीपी खर्च करती है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता, जबकि दो पैरों पे चलने पे कम एनर्जी जो है वो खर्च होती है। सामने आई आ गई, फेस जो है, फेस सामने आ गया, आई जो है किनारे होने की वजह सामने दोनों आ गई, उसे क्या हुआ कि हम जल्दी से जल्दी अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। गर्दन ऐसा घूमने का पूरा पूरा प्रोसेस आ गया। बाइपेडल मूवमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाइपेडल मूवमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम होमोनिड्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे नई चीज तो यही इवॉल्व हुई थी, जो अभी चिंपैंजी अभी थोड़ा ऐसा चार पैर करके चलते हैं, लेकिन ह्यूमंस में नई चीज जो है वो क्या है, होमोनिड्स में, कि ये दो पैरों पे चल सकते हैं। इसके अलावा ये प्रॉपरली, इनके पास फिंगर्स होते हैं, चाहे गोरिल्ला को देखो या ह्यूमंस को देखो, तो इनके जॉइंटेड फिंगर्स होते हैं जो कि प्रॉपर ग्रिप वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक। बहुत अच्छी ग्रिप बनाते हैं, चीजों को कैप्चर करना, प्रे करना, अच्छी ग्रिप बनाना, ये इनका काम होता है। मैंने अभी बोला कि
जो बाइपेडल मूवमेंट होता है ज्यादा एडवांस होता है क्वाड्रपल मूवमेंट से। कैसे? देखो, जब ये इस तरह से चल रहे होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा सोलर रेडिएशन इनके ऊपर पड़ता है, लेकिन अगर आप बाइपेडल मूवमेंट कर रहे हो तो सोलर रेडिएशन जो है इस इतने सरफेस पे आपके पड़ेगा, जबकि अगर आप ये ऐसा वाला मूवमेंट कर रहे हो तो ये इतना सारा सरफेस मिलेगा आपको सोलर रेडिएशन फेस करने के लिए। तो ये चीज हो जाती है कि सोलर रेडिएशन से बचना है तो भी बाइपेडल मूवमेंट काफी काम आता है। इसके अलावा जब हम ये चल रहे होते हैं सीधा ऐसा इस तरह से बाइपेडल चल रहे होते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है हमारी पैरों की तरफ, ऊपर ज्यादा होता है पैरों की तरफ मिनिमम होता है, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे चारों पैरों पे चल रहे होते हैं तो पूरी बॉडी बराबर एयर रेजिस्टेंस फेस कर रही होती है, पूरी बॉडी बराबर एयर रेजिस्टेंस फेस कर रही होती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और अगर हम दो पैरों पे चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों के पास सबसे नीचे की साइड मिनिमम एयर रेजिस्टेंस होता है और इसलिए हम आसानी से जो है चल फिर पाते हैं, ज्यादा बेटर लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक। अब अगर बात करें हम ह्यूमंस की तो ह्यूमन सबसे पहले जो है डेवलप हुए ऑस्ट्रेलोपिथेशियन से, ठीक। तो ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जो है सबसे पुराना एंसेस्टर है ह्यूमंस का। और एक्सटिंक्ट की बात की जाए तो एच हैबिलस जो है ओल्डेस्ट फॉसिल है एच हैबिलस। उसके बाद डेवलप हुआ है कौन? होमो इरेक्टस, ये भी क्या है? एक्सटिंक्ट है। होमो इरेक्टस ये भी एक्सटिंक्ट है। और अभी हम जो न्यू वर्ल्ड में देखते हैं वो हम हैं होमो सैपियंस, ठीक। तो हम क्या हैं? होमो सैपियंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्डिपिथेसियस, मैंने बोला था ना शुरू में कि इससे कौन इवॉल्व हुए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, मतलब अफ्रीका में ही इवोल्यूशन हुआ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो डेवलप हुए, फिर इन्हीं से इस आर्डिपिथेसियस जो है इन्हीं से चिंपैंजी का एक लीनियज गया है, ठीक। तो मतलब चिंपैंजी भी पैरेलली जो है इवोल्यूशन में आए थे। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पैरेंथ्रोट्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गारी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस, ये सारे जो है डेवलप हुए। फिर उसके बाद एक और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ब्रांच निकली जिसमें होमो वाले आ गए। अब सबसे पुराना है होमो हैबिलस, जिसको हम बोल सकते हैं एच हैबिलस। फिर उसके बाद है होमो इरेक्टस, एच इरेक्टस। फिर उसके बाद होमो सैपियंस और होमो नियंडरथल। सबसे पहले आएगा होमो नियंडरथल, फिर आएगा होमो सैपियंस, ठीक। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबका बाप है, क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सबसे पुराने ह्यूमंस अगर मानव बोले जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर एच हैबिलस के बाद एच इरेक्टस, और एच इरेक्टस के बाद नियंडरथल्स, और नियंडरथल्स के बाद हम ह्यूमन सैपियंस जो है वो आएंगे, ठीक। तो ये है ह्यूमन लीनियज। बात करें तो यहाँ पे बॉडी हेयर काफी ज्यादा देखी जा सकती है और यहाँ स्कल का शेप काफी अलग है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस है, इनसे डेवलप हुए होमो हैबिलस जो कि हाइट में इनसे छोटे थे, पर बॉडी हेयर भी सेम थी, पर जो चेंज हुआ है वो स्किल के शेप में चेंज हुआ है। होमो इरेक्टस जो थे होमो हैबिलस से हाइट में ज्यादा थे और यहाँ भी फेस जो है थोड़ा सीधा होना शुरू हुआ है। होमो नियंडरथल्स जो थे वो हाइट में होमो इरेक्टस से छोटे थे, लेकिन यहाँ पे फेस जो है प्रॉपर अच्छा सा सुंदर सा सीधा सा हो गया है। उसके बाद सबसे एंड में आए होमो सैपियंस, जिनके पास बाल भी काफी कम है, बॉडी पे हेयर काफी कम है और पूरे पूरे सीधे खड़े हो सकते हैं, प्लस इनके जो फेस की अभी स्कल देखोगे तो स्कल स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि स्कल सबसे बड़ा ब्रेन जो है वो ह्यूमन में है और स्कल का स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है। तो ये है सबसे आधुनिक मानव होमो सैपियंस, जिनको हम बोल सकते हैं कि 0 मिलियन ईयर एगो स्कल ऐसे दिखता था। ये चिंपैंजी का स्कल है, ये गोरिल्ला का स्कल है, ये होमो सैपियंस का स्कल है।
उसके पहले अगर हम बात करें होमो नियंडरथल की, तो यहाँ स्कल में ये शेप देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद होमो इरेक्टस की बात करें तो यहाँ इस तरह से सबसे बुरा शेप जो देखने को मिल रहा है वो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, बिल्कुल ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेन साइज जो सबसे बड़ी दिख रही है, ब्रेन साइज सबसे बड़ी दिख रही है वो किसमें है, इसमें और इसमें, नियंडरथल्स में और होमो सैपियंस में सबसे बड़ी ब्रेन साइज जो है वो दिख रही है। उसके पहले ब्रेन का जो साइज है, कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो क्या है, कम है। फिर ये ओवरऑल रिव्यू करने के लिए आपको कि थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होता है, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, और फोर चैम्बर होता है बर्ड एंड मैमल्स में।